तिलकपुर 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 के लिए दो टिकट दो। हेलो, तू कंडक्टर है क्यों चिल्ला रहा है, जाके टिकट दे। मैं नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं सो नहीं रहा था, नींद में आके बस पकड़ा था क्योंकि रात भर जाकर ड्यूटी किया था। अरे 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 अरे, अरे मेरा मेरा बैग किधर है और टिकट किधर है? टिकट टिकट, ये कौन है? टिकट टिकट टिकट। अरे छोटे भैया नमस्ते। टिकट टिकट। अरे मालिक, टिकट का बैग दो ना मुझे, टिकट पूरा खराब हो जाएगा, दो ना मेरे को। इस वक्त बस में टिकट मैं दे रहा हूँ, इसलिए कंडक्टर मैं हूँ। वो उधर बैठी औरत कौन है? उस फैमिली को तुम दे दो। तो मैं बस को इधर ही रोक देता हूँ, बस जाएगी ही नहीं। टिकट टिकट, एक टिकट दीजिए बांद्रा का। बस में औरतों को आने में तकलीफ हो रही, आगे बढ़ो। आगे चलो। शांता क्रूज के लिए एक टिकट, तुम्हारे लिए तीन टिकटें फ्री। हा? तीन टिकट क्यों, रूट का पता नहीं है क्या? टिकट टिकट, मुझे अंधेरी का एक टिकट देना। तुमको एक टिकट फ्री? नहीं, उसको ढाई टिकट दे देना, जाने दो उसको। पार्ला के टिकट देना। ये सारी टिकटें तुम रख लो। हाँ। अच्छा अच्छा, तू उसको पूरा टिकट दे रहा हो अभी फ्री में? तेरे बाप की बस है क्या जो उसको फ्री में टिकट बांट रहा है? चल निकल यहाँ से। ए, ये क्या है, तुम बस के अंदर मुर्गियाँ लेकर जा रहे हो, स्टूपिड। ए, ये औरत साथ में बकरा लेकर आई है, उसका क्या? ए मिस्टर, ये बकरा लेके जाए या कुछ और लेकर जाए, तुम बोलने वाले कौन होते हो? ए, तुम्हारी शादी हुई क्या? नहीं हुई, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो फिर ये नाइन सब भी क्यों, तुम्हें कैसे पेशाना लोगों से पता नहीं? नहीं पता कैसे पेशाना है। चेहरे पे इतना तेल क्यों लगा रखा है? मुझे पता नहीं है चेहरे पे तेल क्यों लगा रखी है, तुम अंजलि से पूछ लो। नाना धोना हुआ क्या, एकदम ताजा लग रही है? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं, मैं हमेशा फ्रेश लगती हूँ। सुबह से लगा के बैठी हूँ, अब निकाल दूँ क्या? तूने दाग धब्बों को मिटाने के लिए सलाह दी थी, इसलिए सब लगा कर बैठी है। जिसको दाग धब्बे हो वो लगा सकती है, उसकी मर्जी। बस बहुत हो गया, अभी आती हूँ, कब से यहाँ बैठी हो, चलो घर चलो नालायक। ए अंजलि, घर पर जाकर तेरी सभी बात सुनेंगे, तू इस तरह सबको कुछ न कुछ मत बताया कर। वो मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं पत्नी होने के नाते कोई ना कोई सलाह तो दूंगी। मैं पाउडर लगाऊंगी तो उन्हें भी पाउडर लगाना होगा। मैं साड़ी पहनती हूँ तो देखकर मुझे साड़ी जींस पहनना होगा। महीने में एक बार मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाना होगा। लिपस्टिक लगाने वाले बाल काला करने वाले के अच्छे पति होते हैं। सच के सवर के बाल रंग के लिपस्टिक पाउडर लगाने वाले लड़की को लड़के ज्यादा पसंद किया करते हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार ऐसे अच्छे मर्द मिलने भी तो चाहिए ना अंजलि, लेकिन आजकल ऐसे मिलते कहाँ है? ये नहीं है, मैं हूँ। मेरे पीछे पीछे आ जा। सुबह से कलेक्शन के लिए तुमने उसे बाहर भेजा है, वो अभी तक आया नहीं, कहाँ है वो? मैंने सोचा था वो सही कलेक्शन करके लाएगा, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर पहुँचा नहीं। माँ तेरा इंतजार कर रही है, जल्दी जा। ए विजय। हाँ माँ। क्या है माँ? तुम्हारा मामा कहाँ है? यस डियर बहना, व्हाट कैन आई डू? ये गाड़ी में रख कर आओ। वो ये पुनु स्वामी की ड्यूटी है क्या? अच्छा ठीक है। विजय, इसमें 5,000 रुपए है, अपनी दीदी को दे देना। ओके। लेकिन तुम्हारे बाबा को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों माँ? और तेरे जीजा को भी पता नहीं चलना चाहिए, अगर उनको पता चल गया तो काम धाम छोड़ के घर पे बैठ जाएंगे। ये पैसे वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारे पिताजी को भी नहीं। मुझे तो अब पता चल गया, मुझे 500 रुपया दो, मैं पहुँच कर जाकर गटागट पी लूंगा। हाँ, पैदा तो मैंने किया है लेकिन बड़ा करने वाला तू है ना। अरे बहना, ये तूने क्या कह दिया? ऐसा क्यों बोल रहे हो मामा? तू उनका नाम नहीं लेके मेरा नाम लेके इम्प्रेशन जमा दे। अच्छा सुन, दीदी को मेरा नाम मत कहना, कहना मामा ने तुम्हें दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारा खून नहीं हूँ क्या? पिघल गया क्या? पिघला नहीं, मेरे दिमाग का साउंड है। ओ। हे, ये सब दुनिया को सुनाने की जरूरत नहीं है, चलो निकल चलो यहाँ से। क्या है, सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला का? लड्डू लो। अरे जीजा, तुम ऐसे भिखारी की तरह हाथ फैलाए क्यों खड़े हो? ए चल चुप कर, 50 रुपए मुझे दे, समझ ले अपना ही घर है। क्या दे 50 रुपए, काम धाम करते नहीं हो, जब देखो मांगते रहते हो, 10 रुपए कमाओ तो पता चलेगा। सही कहा बाप। चलो चलता हूँ माँ। हाँ जल्दी आना। ये किसकी गाड़ी है? तेरे बाप ने अपने लिए कार खरीद कर रखा है, मैंने अपने लिए मोटरसाइकिल मांगा था, मोटर खरीद कर साइकिल में फिट कर दिया, पता नहीं तेरे लिए कौन सी गाड़ी खरीदेगा। ये क्या बांधे, मैं तेरा मामा हूँ, मेरे मुँह पे सिगरेट का धुआं छोड़ता है। ठीक, ये क्या बोल रहे हो मामा, इसलिए तो इंडिया डेवलप नहीं हो रहा। सिगरेट का धुआं छोड़ने से इंडिया डेवलप कर जाएगा?
और नहीं तो क्या मामा, फौरन में बेटा मुंह में सिगरेट लगाता है और बाप लाइटर से जलाता है, माँ ग्लास लेकर आती है और बाप ड्रिंक बनाता है, यही तो है मामा एडवांस कल्चर। अरे बाप रे, क्या हुआ पिताजी? अरे पियो पियो मामा, अरे पियो ना, तभी तो इंडिया डेवलप करेगा, पियो पियो। मामा प्लीज मामा, तुम मुझे मरवा दोगे? क्यों फेंका इसे? गोल्ड ब्लैक किंग साइज सिगरेट है ये, 2 रुपए का आता है और तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। क्या बाप है, क्या सबक सिखा रहा है, इंडिया जरूर डेवलप करेगा। कभी भी फिल्टर वाला सिगरेट पिया करो, उससे सीने में दाग नहीं लगता है। इंडिया अमेरिका से भी आगे जा रहा है। माँ ने जो पैसा दिया था वो बहन को दे दिया क्या? पैसा मुझे तो नहीं दिया। नहीं दिया सच्ची में? अरे स्वामी, पूरे गांव में इसको उसको देने के लिए नहीं रखा, अपनी फैमिली के लिए रखा है। उसमें 50 रुपए कम था, ये 50 रुपए मिलाकर बहन को दे देना, और पूछना शीला की लड़की का मुंडन और छेदन कब हो रहा है, ये सब पूछ कर ही आना। अरे इसमें पूछने का क्या है, जब मर्जी तब उसका घुमा के पानी डाल के नहला धुला के कर देने का, और उसी उसके से इनको भी टकला कर देने का। चल रहे तो टिकट 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 माजी टिकट 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 करके जो तू बोल रहा है, टिकट तू इन्हें दे रहा है कि ये तुम्हें टिकट दे रहा है? टिकट लो ऐसा कहकर बोलो। टिकट 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 फिर वही बोल रहा है, टिकट ले लो ऐसा बोलो। तेरा गांव कौन सा है? तेरा गांव कौन सा है? कौन सा पहाड़ी? मेरा पीछे खाड़ी। अच्छा अच्छा, ये बोट में स्क्रीन क्यों लगा रखी है? स्क्रीन के अंदर कौन बैठा है? कंडक्टर, इस स्क्रीन के अंदर कौन बैठा है? नहीं बता सकता। कौन है उसे बताने को बोलो ना। अरे यार बता देने कौन बैठा है। अरे बोला, मैं नहीं बता सकता हूँ। तू नहीं बताएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं अंदर नहीं जा सकता। ये भांजे चल इसको फाड़ते हैं। इसके अंदर कोई रातों की रानी बैठी होगी, देखोगे क्या? ए बुढ़िया मत, तू है क्या? मैं अकेली नहीं हूँ। राइस मिल के मालिक की बेटी को अचानक जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं उसके साथ आई हूँ, वो भी अंदर है। तू अंदर जा। मामा मामा, मुझे बस एक बार उसे देखना। भांजे तेरे ख्यालात कितने अच्छे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि डेवलपमेंट के लिए पेड़ उगा लो, वो गलत है। तेरे जैसा लड़का अगर हर घर में पैदा हो तो ये देश अपने आप छोड़ो ना मामा। चल अंदर घुसते हैं। इस लड़की के सामने जाकर मेरी इज्जत बढ़ाना, कहीं कचरा मत कर देना। वो कैसे बढ़ाएगा? मामा एक बात बताता हूँ, हर लड़की का एक सपना होता है, उसे एक हैंडसम सा हस्बैंड मिले जो उसका ख्याल रखे, इसलिए मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता हूँ, तो हम उस रास्ते पे चले। इसका मतलब तू गाना गाने जा रहा है? यस। जरा ये मेरे मन की, मिलेगी जब मुझे मेरी जान, देखूंगा किसी को नहीं, छेड़ूंगा किसी को नहीं, मैं तो बस उसके सिवा। कितनी हसी होगी वो, चाहूंगा मैं तो उसको, पहनेंगे बस जीन्स वो तो छोटे छोटे टॉप, वो तो नए नए फैशन करने को बोलूँगा मैं उसको। ब्यूटी पार्लर जाएगी वो, ब्यूटीफुल बनाएगी वो, नाइट में मैं नाइट पहनाऊँगा उसको। सुन वो साड़ी वाली लड़की, बात जरा ये मेरे मन की, मिलेगी जब मुझे मेरी जान। चलाएगी मैं तो पीछे बैठूंगा, देखेगी वो सामने मैं देखूंगा उसे। वो जब सोके उठेगी ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, जब वो मायके जाएगी कैसे मैं रहूंगा। कहूंगा मैं भगवान से मेरे घर भी लड़की हो,
हरियों जैसी सूरत हो, सबको प्यार वो करती हो, वो लिखेगी लव लेटर किसी को, हम चोरी से उन्हें पढ़ेंगे। मेरी बेटी मुझको बस प्यार करे, सच मेरा ये सपना हो। खाना जब बनाएगी वो कोई दिक्कत आएगी तो हेल्प मैं करूँगा, हाँ करूँगा उसको। सुन ओ साड़ी वाली लड़की, बात जरा ये मेरे मन की, मिलेगी जब मुझे मेरी जान। वॉक सिखाएगी, फैशन मैं सिखाऊंगा उसको, बस मैं उसको। जब कोई मेरे बाजू से सुंदर लड़की गुजरेगी, याद मुझे वो आएगी, मेरी जान मेरी सनम। जब वो सच के आएगी उसकी फोटो खींचूंगा, उसके कहने पर मैं तो पियर भी पीना छोड़ दूंगा। वो कहे अगर बड़े प्यार से तो मैं सिगरेट भी कम कर दूंगा। ब्लाउज वो जब पहनेगी तो ब्लाउज के हुक मैं लगाऊंगा। आएगा उसी पे दिल तो जाएगी, जब मुझको मिल वो प्यार अपना उसी पे लुटाऊंगा मैं तो। सुन ओ साड़ी वाली लड़की, बात जरा ये मेरे मन की, मिलेगी जब मुझे मेरी जान। देखूंगा किसी को नहीं, छेड़ूंगा किसी को नहीं, मैं तो बस उसके सिवा। कितनी हंसी होगी वो, चाहूंगा मैं तो उसको। पहनेंगी बस जीन्स वो तो, छोटे छोटे टॉप वो तो, नए नए फैशन करने को बोलूंगा मैं उसको। मेरे यार थोड़ा सा रुक जा, कुड़ी आएगी एक बढ़िया। बाबा मामा लव यू यू ना ना, मैं इस बुढ़िया से प्यार कर लूंगा लेकिन कोयले की इस खान से प्यार नहीं करूंगा। ए माजी, इस खजाने को लेकर जा रही हो क्या? तू भी सच में आना चाहता है क्या? आ? इस काली कलुटी को कोई और चाहने वाला नहीं है क्या प्यारे? नहीं तो काली मामा को भागो। अरे भांजे, जहाँ जाना है वहाँ चलते हैं, देर करने से काम नहीं चलेगा। मामा क्या है? मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम यहीं पे रुको ना, मैं पानी पी के आता हूँ। मुझे भी पानी की प्यास लगी है, मैं भी आ रहा हूँ। मामा मुझे ठंडा या ड्रिंक पीने का दिल कर रहा क्यों? है क्यों? ठंडा पानी मैं नहीं पी सकता क्या? देखो भांजे, अगर पानी पियेंगे तो भी साथ पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो भी साथ पियेंगे। ए तू क्या मुझे उल्लू समझ रखा है? दो चार तितलियों को देखकर फिसल गया? अरे यही खड़ी रखकर देख, नजदीक छूने की कोशिश कर रहा है तो। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी कोई कद नहीं, इसी तो इंडिया को डेवलप करेगा। यही तो मामा, इसलिए इंडिया डेवलप नहीं हो पा रही। तेरे जैसा दिमाग वाले होंगे तो इंडिया बहुत जल्द डेवलप हो जाएगा। ये क्या तू बार बार इंडियन इंडियन कह रहा है? मैं क्या पाकिस्तान से आया हूँ? ये संगीता, तूने रजनीकांत का प्रोग्राम देखा था क्या कल? कितना अच्छा प्रोग्राम था ना। अरे नहीं रे अंजलि, मेरे माता पिता टीवी को अपने पास रखकर पर्सनली देख रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं भी प्रोग्राम देख नहीं पाई लेकिन सुन रहा था। मामा इधर का पानी गंदा है। मामा इधर का पानी बहुत मीठा है। मामा ए
तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। जो पानी उधर बह रहा है वही पानी इधर भी बह रहा है, तो उधर का पानी मीठा कैसे हो गया? उधर का पानी पीकर देखूं मैं? ऐसा नहीं है मामा, इधर का पानी चिड़ियों को छूते हुए आ रहा है ना। आहा, ये गन्ने की खेती है ना, इनको चारों तरफ से फेरे लगाकर रस निकाल ले। ए, इनको भी यहाँ आने के लिए बुलाएं क्या? अरे नहीं रे, बेकार का लफड़ा हो जाएगा, उन्हें लड़ने दो। ए, चुप रहो, लगता है ये अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं। बस खाना खाकर ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं। ऐसा करते हैं इन्हें गुमराह कर देते हैं। हेलो, इसे तैरना नहीं आता, आप इसे तैरना सिखा देंगे? आई एम रेडी, कम ऑन कम ऑन। मामा कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मामा मामा क्या कर रहे हो, मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो मामा? मामा जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो क्यों कूदे अंदर पानी में? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए ना? कुछ और करने के चक्कर में जाते तो क्या होता? तो होता क्या, इन चारों लड़कियों में से सबसे अच्छी फिगर वाली लड़की मुझे बचाने आ जाती। हेलो, जब आपको तैरना नहीं आता तो हमें क्या सिखाएंगे? नहीं, मैं अच्छे ढंग से सिखाऊंगा। अरे रे, क्या मामा, एक बार मेरा कहना मान लो, ये मौका मत गवाओ। लेकिन क्या मैं उन्हें नहीं सिखा सकता क्या? तुमसे नहीं होगा। जरूर होगा, उसमें से एक को तू सिखाने के लिए चुन ले, एक को मैं चुन लेता हूँ सिखाने के लिए। अगर ये लोग ये बात मानने को तैयार हो जाते तो मैं भी तैयार हूँ। ओके, अग्रीड। ए, तू जाके एक लड़की को पिकअप कर और मेरे लिए एक इधर भेज दे, जा। ए, जाना। ए, तू पीछा छुड़ा रहा है क्या? हाँ, कोई बढ़िया से घर भेजना। आ जाओ। आओ। ए, वो हम लोग एक काम करें क्या? वाओ, वाओ। मैं सुनिए की तरह मुंह करता हूँ, तुम भी मुंह पर कर लो ऐसे। हाँ, ऐसे ही। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसा करने में मुझे आनंद आ रहा है, तुम भी ऐसे करो। ठीक है, खेल है, तुम मरो। अरे भांजे, उधर देख क्या हुआ। मामा, साइकिल पर रखे टिफिन नहीं दिख रहे। भांजे, लड्डू गया तो जाने दे, साइकिल नहीं जाना चाहिए, चलो। ये तुम दोनों नीचे क्यों लेटे हो? मम्मी से आइसक्रीम मांगा था लेकिन दिया नहीं, इसलिए। मैंने मम्मी से कोल्ड ड्रिंक के लिए कहा लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैंने भी कल आइसक्रीम के लिए कहा था लेकिन मुझे नहीं दिया। अब मेरे पास एक आइडिया है। राखी, तुम्हें मालूम है मम्मी से जाकर क्या कहना है? आंटी, तुमसे एक शिकायत है। शिकायत है? किस बात की शिकायत है? तुम अपने दोनों बच्चों को इतना परेशान क्यों करती हो अपने घर में? तुम अपना अलग से परिवार चाहते हो इसलिए कान भरती हो अंकल के। किसने कहा तुमसे ये सब? मेरी माँ मेरे पिताजी से कह रही थी। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो बड़ी हैं, लेकिन वो मेरे बारे में इस तरह की बात करती हैं। शीला, तुम्हें पता है ना बड़ी मम्मी से क्या कहना है? बड़ी मम्मी, आपको अपने बड़े से कैसे पेश आना है पता नहीं, आप बहुत बदतमीज हैं। शायद आपने अपनी मम्मी का दूध नहीं पिया है इसलिए किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए ये आपको पता नहीं। ए, ये तुमसे किसने कहा? मेरी मम्मी मेरे पिताजी को बता रही थी। वो छोटी है इसलिए मैं उसे बहुत मानती हूँ, लेकिन वो उसके लायक नहीं है। ये हो गया, अब तुम क्या करोगे? मैं दादी के पास जा रहा हूँ। क्या दादी माँ, ये सब क्या है? दादी माँ, तुम क्यों दादाजी से इसे दूसरी शादी के लिए मान गई थी? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बड़ी दादी माँ तुम्हारे पापा और अंकल को जन्म देकर चल बसी। मेरे माता पिता गरीब थे और तुम्हारे दादा बहुत पैसे वाले, इसलिए मेरी शादी उनके साथ करा दी। दादी, तुम कब मरोगी? रास्कल, ये सब पूछने के लिए इतना ड्रामा हो रहा था? दादी माँ, ये ड्रामा नहीं है, वहाँ वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि घर का खर्च कौन चलाएगा। अपनी बहू से आके पूछ लो। चल उनके पास। सासू माँ, आप जानती हैं इस घर में क्या हो रहा है? सासू माँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। पहले ये सब जानना चाहती हूँ, इसके लिए तुम मेरी मौत की प्रार्थना करती हो? क्या बात है भाई, अंदर दोनों बहुओं और सास में झगड़ा चल रहा है, हमें अंदर चलकर पता करना चाहिए ये सारा माजरा कैसा है। हा? छोड़ना, रात को तेरी बीवी सब कुछ बता देगी और मेरी बीवी मुझे बता देगी, चल अब खेल। बंद करो अपना ये झगड़ा। तुम्हें मालूम है इन दोनों की प्लानिंग क्या चल रही है? क्या प्लान बनाया इन लोगों ने, सब सुन चुका हूँ मैं। किसने कहा तुमसे? इसके बेटे रॉकी ने। और तुमसे किसने कहा? उसकी बेटी राखी ने कहा। और तुमसे किसने कहा? सतीश ने कहा। वो कितने शैतान हैं तुम्हें पता है? उन लोगों के कहने पर तुम लोग आपस में लड़ रही हो। भैया, क्या ब्रेन पाया है, बढ़िया आइडिया था। बिजनेस करने के लिए अंग्रेज हमारे देश आए, हमारे देश के राजाओं में फूट डलवा कर लड़वाया और पूरे देश पर कब्जा कर लिया।
You mean divide and rule policy? जी हाँ, वही तो अपनाया। उन्होंने जो हमारे साथ किया वही तो हम लोगों ने उनके साथ कर दिया। आज के लिए बस हुआ, लेकिन कल क्या होगा? कल तुम्हारी माँ और मेरी माँ में झगड़ा, तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी में झगड़ा, दादा दादी में झगड़ा, फिर दोनों परिवार में झगड़ा, बस झगड़ा ही झगड़ा। हाय बच्चों, come here, come here. तुम देखो, सही ढंग से खेल को खेला करो, अपनों के साथ चीटिंग मत करा करो। ये एग्जाम किस पर लगा रहे हो? सब गलती तुम्हारी है। जहाँ से अच्छा ये मामा जी हमारा, सारे जहाँ से अच्छा ये मामा जी हमारा। इसका नाम मामा नहीं, विजय है। ये विजय, तू कब आया? अभी तो आया, पता नहीं है क्या। अच्छा, तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं, उन लोगों ने इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मम्मी पापा कैसे हैं? वो अच्छे हैं। साले जी, एक मिनट तुम वेट करो, मैं अभी गेम जीत कर आता हूँ। मैं हार कर आता हूँ। हार जीत की बात कितने विश्वास से बोल रहे हो? ए, दोनों क्यों कंधे पर चढ़कर बैठे हो? उतरो नीचे। अपने भाई को नीचे उतारने के लिए बोलो। तू भी उतरना। दीदी, इसे कुछ मत कहो, ये मेरी बीवी है। तेरी बीवी है? यही तेरा संसार है क्या? इन्हें शादी करने से पहले मेरे भाई से परमिशन लेनी होगी। सर, थोड़ी मेहरबानी करेंगे? है? अरे वो क्या मेहरबानी करेगा, चल जाओ। तुमसे बात करनी है, जरा एक मिनट के लिए आओ। क्या है दीदी? सुन, तुझे कुछ अकल है कि इस घर में चार लोग रहते हैं, ऐसे खाली हाथ आ गया तू? नहीं दीदी, वो मैं लड्डू लाया था। अरे ये अपना ही घर है, तुम पराये जैसे क्यों कर रहे हो? विजय, घर में माँ बाप सब ठीक है ना? कल तुम्हारे पिताजी भी। मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा बाबा, तुम ही बात करो। तुम्हारा भाई थका होगा, कुछ खाने पीने के लिए ला। जी सासू माँ। विजय जाओ बेटा, खाना खा लो। जी ठीक है। दीदी दीदी, ये लो, इसे छुपा कर रख दो। ये माँ ने दिए पिताजी से छुपा कर, और ये पिताजी ने दिए माँ से छुपा कर। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, जीजाजी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ए विजय, हाँ जीजाजी, अपनी तरफ से अपनी बहन को छुपा कर क्या दे रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, माँ पिताजी के भेजे हुए पैसे दे रहा था। ए, ये लो, मुझसे ये खर्चा हो जाएगा, तुम इसे संभाल कर रख दो। ये लो, चेन लाने के लिए भेजा था वो आ गया है। अरे ये इतना भारी कैसे हो गया? मेरा जो चैन था मैंने उसे भी मिलाकर इसे बनवा दिया, अब इसे तुम पहन लो। इतने अच्छे इंसान से मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? सॉरी दीदी। अंकल, क्या आपको पता है कि अक्षय कुमार का किसके साथ अफेयर है? ए, ए, तुम लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन तुम लोग वो सब छोड़कर ये बकवास करते हो। यदि मेरे साथ तुलना करोगे तो मैं तुम लोगों से ज्यादा जानता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। जाओ मामा को बुला कर लाओ। नहीं, वो यहीं रुकेंगे, दो दिन बाद जाएंगे मामा। मेरे मामा नहीं आएंगे, तुम्हें जाना तो जाओ। ए, बुलाने को कहा तो जुबान लड़ाता है। कुकू कुकू कोयल बोले दिल मेरा डोले। लेकिन आपके गिरने की आवाज हम सुनना चाहते हैं। शैतान कह के अरे बाप रे, पैर मुड़ भी नहीं रहा, सीधा भी नहीं हो रहा है भांजे। अब क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दवाई भी नहीं है इधर। वो तो बच्चे हैं मामा, मजाक में छेड़छाड़ की होगी। कौन वो बच्चे? अरे वो तो आफत की पुड़िया है। आ, इधर मत रख, उधर रख, बहुत दुख रहा है। तुम ठीक से चली जाना, बाय। तुम अपने नाक से क्या सूंघ रहे हो मामा? इस कमरे में मैं एक जवान लड़की को महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे कॉलेज में सूंघने की कला भी सिखाई जाती थी। मामा, ये वही लड़की है जिसने लड्डू गायब किए थे। वो अपने घर में चुपके सा ही लगता है, हमें उसे पकड़ के सबके सामने लाना होगा। नहीं भांजे, ऐसा मत करो, यदि उसके पास चाकू हुआ तो वो हम पे वार कर देगी। तो देखते हैं फिर वो क्या करती है। रुक भांजे। खुशबू आ रही है, तू हमेशा ही बेमानी करता है। अरे सारे कपड़े वो तुझ पे ही फेंक रही है, मुझ पे नहीं। अच्छा ठीक है, 50-50। मामा, तुम अपनी दोनों आंखें बंद करके सो जाओ। अगर उसने हमें देख लिया तो वो कपड़े नहीं उतारेगी। क्यों, तू अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता? नहीं मामा, मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा ना कि रात को यहाँ पर क्या क्या हुआ। ए, तू चुप कर, यहाँ पर कोई सिनेमा चल रहा है क्या जो तू कहानी सुनाएगा? ये सब सामने से देखना चाहिए। ये क्या हुआ? अभी तो ये कम कपड़े में थी, पूरे कपड़े में कैसे आ गए? चांस मिस हो गया। मामा, वो चोरी करने के लिए अलमारी खोल रही है, मैं शोर मचाता हूँ। नहीं शोर नहीं, तुम जल्दी से जाकर पीछे से पकड़ लो। मामा, मेरे
चोर को पकड़ लिया। पकड़ उसे। ये घर के अंदर आके चोरी कर रही थी। ए, पहले तुम छोड़ो उसे। दीदी ये घर में घुस के चोरी कर रही थी। अरे ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये लोग वो लोग करके बात मत करो, हमारी भी इज्जत है, मर्यादा। दीदी ये तुम्हें मामी कह के क्यों बुला रही है? ये मेरी बेटी, इसलिए उसे मामी बुला रही है, और नहीं तो क्या कहेगी। ए, क्या तू अंजलि को नहीं जानता? नहीं दीदी, मैं नहीं जानता था अंजलि कौन है, मैंने अभी तो देखा इसे। ए, क्या कह रहा, तूने पहले से नहीं देखा? क्या बात कर रहा है तू? मेरे पैर से अपना पैर हटा। वो तेरे बारे में नहीं जानता तो क्या तू भी नहीं जानती? मैंने भी अभी इसी वक्त। हे भगवान, तूने हमें बचा लिया। घर के अच्छे बुरे वक्त में यहाँ आओगे तो पता चलेगा ना। आजकल के लड़कों का कुछ पता नहीं, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। तुम कब आना चाहते हो, तुम कब जाना चाहते हो? ठीक है ठीक है, चलो अपने कमरे में सब। अंजलि तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाए क्या साथ में? नॉनसेंस, एक तुम ही इंग्लिश जानती हो, बाकी हम सब तो बेवकूफ हैं। क्या बक रहे हो? कुछ नहीं बक रहा हूँ, लड़की को गुड नाइट बोल रहा हूँ। मामा मामा वहाँ देखो, ये क्या रिफ्लेक्शन चल रहा है। ए आके खोल। ए इधर, यहाँ इतना लफड़ा हो रहा है, तू ऐसे में यहाँ सोया पड़ा है, कैसा इंसान है तू? आई एम सॉरी। अरे व्हाट सॉरी, थोड़ा भी तमीज नहीं है क्या? मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ, इंतजार नहीं कर सकते थे? ए मैनेज की बात करती हो, ड्रेस चेंज करते हुए दरवाजा बंद करना चाहिए, इतने मैनेज तुम्हें नहीं है क्या? ये मेरा रूम है, मैं दरवाजा खोल के चेंज करूँ या बंद करके? तुम पूछने वाले कौन? ये रूम मुझे दिया गया है, मैं दरवाजा नॉक करके आऊँ या बिना नॉक किए? तुम इज्जत से बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। मैं नहीं जाने वाली, तुम्हें जो करना है कर लो। अरे मेरी बेल्ट कहाँ गई? ये तो नहीं है। ए, तुमने अपने पैंट पे क्यों लगाई? जल्दी से मुझे दो। बेल्ट अच्छा है इसलिए ले लिया, इसे मैं नहीं दूंगी, चाहो तो उतार लो। विजय कहाँ हो तुम? जीजे जी आ रहे हैं, इसे ठीक करो। अरे ठीक करो ना इसे, नीचे करो। सिगरेट पीते हो? रुको मैं जाकर भैया से कहती हूँ। अरे हट के खड़ी हो ना। विजय तुम्हारे लिए एक नया शर्ट लेकर आया हूँ, इसे पहन लो, साले के लिए शादी का तोहफा ही समझो। आप जाके खा लीजिए ना, मुझे कपड़े पहनने हैं। क्या छुपा रहे हो? ए, ए, ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ तो भगवान की तस्वीर है। अब जल्दी से कपड़ा पहनकर आ जाओ, खाना खाते हैं। है? बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सिगरेट छुपाने के लिए। Cigarette smoking is injurious to health. Advice के लिए एक बार और शुक्रिया। One more advice. दिन में 3 cigarette से ज़्यादा मत पीना। तुम्हारे कहने के मुताबिक एक दिन में 3 cigarette से ज़्यादा नहीं पीऊँगा। क्या कहा तुमने? दिन में 3 cigarette से ज़्यादा मत पीना। समझ गए हम, समझ गए क्या है तेरे दिल की बात, हाँ दिल की बात। भैया मेरे बड़े भैया, भैया मेरे बड़े भैया, भैया चल जरा। नॉनसेंस, तूने मेरे इतना अच्छा शर्ट खराब कर दिया। कौन है तू? अरे मुझे नहीं पहचानते क्या? तेरे दादा और मेरे दादा एक साथ रहते थे, मेरे कहने का मतलब हम लोग करीब के रिश्तेदार हैं, यानी। ए आज कल लोग सगे भाई को नहीं पहचानते, तू 4 नहीं 8 पीढ़ी की बात कर रहा है, कौन है तू? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तू रोने लगा? ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं सारा इंतजाम करके रखा तुम्हारे लिए और तू ऐसी बात कर रहा है। ये बात है क्या? ठीक है मैं चलता हूँ, तुम्हारी बीबी इंतजार कर रही है, वो गर्भवती है मेरे भाई। ये डबल मीनिंग वाली बात नहीं करते हैं। चलो आइए। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कोई भगवान हूँ या चमत्कार देख रहा हूँ? मुझे अकेले के लिए इतना सारा खाना? भैया ये सब तुम्हारे लिए असली घी से बना लड्डू, दूध से बना केक है, दूध से बना रसगुल्ला है। ये दूध से बनी पूरी, दूध से बनी इडली। भैया तू ऐसा क्यों रो रहा है? जिंदगी भर दूध से दुश्मनी रही है, आज दूध से बनी हुई चीज खिला रहे हो, लाइफ में पहली बार ऐसा खाना खा रहा हूँ। ठीक है तुम रो मत, तुम हाथ हटाओ, लो खाओ। ये सब मैं नहीं खा सकता, खाते खाते सुबह हो जाएगी।
लो खाओ ना। ये लो ना। ये क्या तेरी बीवी है या इस सेवा के बाद इससे मेरी शादी कराओगे? ये तो मेरी बीवी है। अगर तुमने इसे शादी की है तब ये तो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भैया तुम्हें जो करना है जल्दी से कर लो। ठीक है खिलाइए, आप लोग खिलाइए, मैं खाने को तैयार हूँ। इसी बात पर खाओ। खाओ ना खाओ। ये लो दूध पी लो। अब पेट पे जगह नहीं है, लेकर साथ जाऊंगा गाड़ी में पी लूंगा। दामाद जी लड़की पसंद है ना तो? ये तू क्या कह रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी लड़की है दामाद जी, तुम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? दामाद जी मेरी एक ही लड़की है, उसको चाहिए एक लौता पति। तुम दोनों की शादी करा के मैं सुखी हो जाऊंगा। तुम दुखी हो जाओगे। मैं कहीं भी शादी कर लूंगा लेकिन तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। दामाद जी तुम मेरी लड़की से शादी करोगे कि नहीं? ए चिल्ला क्यों रहा है, क्या तू कोई नेता है? मैं कितनी जोर से चिल्ला सकता हूँ पता है? चिल्लाऊं क्या? जिस थाली में खाए उसमें छेद नहीं करना चाहिए, जिसका दूध पिया उसको उगलना नहीं चाहिए। ए जारे पूरा गांव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब तो करोगे ना? ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। आप कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं। अरे ससुर जी अभी आपने सही डीलिंग की है, ये थोड़ा पहले करना चाहिए था, आपने देर कर दिया। ये तो सिर्फ एडवांस है। तो टोटल कितना होगा? पूरे 50,000। पूरे 50,000 फिर तो ठीक है, मार दो मुंह पर। मार दो क्या? समझो मैं तुम्हारी लड़की का पति बन गया। रुको रुको रुको, ये हार तो पहले ले लो। अरे ये माला किस लिए? शादी के लिए हार एडवांस में दे रहा हूँ। तुम लोगों ने तैयारी पहले से ही कर ली थी। ये पहना ना इसको। सासू के हाथ से माला पहना रहे हो, तुम भी पहना सकते। जीजा जी आपकी दी हुई शर्ट बहुत अच्छी है, शुक्रिया। क्या दीदी तुम्हारा ब्लाउज इतना ढीला क्यों हो गया, दुबली हो गई हो क्या? जी हाँ, तेरी दीदी को मैं खाना खाने को नहीं देता हूँ, सिर्फ एक टाइम का देता हूँ। फुल टाइट हो गया था ब्लाउज, मैंने इसीलिए लूज कराने के लिए दिया था। एक बात और सुन, ये भी टाइट हो गया तो नया सिलवाना पड़ेगा। दवाई क्यों खा रहे हो, तबीयत खराब है? अपने को स्वस्थ रखने के लिए ये दवा तो खानी ही पड़ेगी। तो फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये मेरी एक बात नहीं सुनते। अरे क्या हुआ, तूने कहा मुझे जल्दी चले आओ, सब ठीक तो है ना? वो मामा वो अंजलि है ना। क्या हुआ अंजलि को? वो क्या है ना, मैं अंजलि से प्यार करने लगा हूं। क्या तू अंजलि से प्यार करने लगा है? कैसी बात कर रहा तू, आज तक तूने कभी किसी से प्यार किया है? क्यों नहीं मानते, पड़ोस के घर में एक लड़की रहती है, या तू उसे जाकर प्यार कर। क्या मामा, पड़ोस में जो लड़की है उसे तुम पटा रहे हो, मुझे कह रहे हो जाके मैं प्यार करूं? मेरा प्यार एडवांस लव है, आपको पता है क्या? मैं एडवांस लेता हूं, जाकर बोल दे उसको। ये क्या बोल रहे हो आप, कौन सा एडवांस, कैसा एडवांस मामा? अरे छोड़ भांजे छोड़। ठीक है तू अंजलि से जाकर प्यार कर, ठीक है मैं सारे गांव में जाकर बता देता हूँ कि तू अंजलि से प्यार करता है। झूले में बैठ के झूल सकते हो लेकिन मुंह से बोल नहीं सकते। मैं कहाँ पर पढूं? इसे पढ़ के लगता है तुम 8वीं पास भी नहीं हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ झूला ही तो झूल रहा हूँ। चलो मैंने पढ़ लिया, अब बताओ। जी हाँ और क्या, मुझे क्या करना चाहिए? ये तुम्हारी तानाशाही है क्या? ये तानाशाही नहीं है, जो भी है ये मेरे लिए लव लेटर है। लव हो गया क्या? तुम्हें लव लेटर लिखने वाले पहले से ही बहुत सारे मौजूद हैं। ये है लव एप्लीकेशन, इसे पढ़ के देखो। पढ़ो। प्यारी माय डियर अंजलि, तुम आसमान से बारिश की तरह मेरी जिंदगी में आई हो। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे फैसले पर है। जब से मैंने तुम्हें देखा है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, मेरा दिल बहुत खुशी महसूस करता है। मुझ में 10 घोड़ों की ताकत आ गई है, अगर तुम मुझसे शादी करो तो जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। ये पढ़ के देखता हूँ। मेरी प्यारी अंजलि, रेशम का चेहरा बिल्कुल वेलवेट की तरह, पॉलिएस्टर की तरह तुम्हारे गाल, तुम्हारे जो बाल की कटिंग है वो मेरे दिल को छू जाती है। तुम्हें जब भी याद करता हूँ मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, स्विंग मशीन की तरह। ये तो कोई टेलर है। ये देखता हूँ,
ये देखो पोस्ट कार्ड में भी किसी ने लव लेटर लिखा है। क्या इन सबको मैं फाड़ दूं? नहीं, इसे भद्र मामा ने लिखा है। भद्र मामा ने लिखा है, क्यों? मुझे शादी के बाद मुझे अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब लिखा है इसमें। वो लिखेगी लव लेटर किसी को, हम चोरी से उन्हें पढ़ेंगे। ए विजय, क्या सोचने लगे? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो तुम। समझ गए हम, समझ गए क्या है तेरे दिल की बात। हाँ दिल की बात, आंखें बोले हर भेद खोले, कहते हैं सब सच है ये बात। विजय जी। हुँ? कौन हो तुम? क्या है, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारे दूर की रिश्तेदार हूँ। ओह, रिश्तेदार हो क्या? मैं इस गांव में नया हूँ, इस गांव के बारे में ज्यादा नहीं जानता। आई एम सॉरी। तुम तो मेरे रिश्तेदार हो। हाय, ये शर्ट कितना अच्छा है, कहाँ से खरीदा, कौन सी कंपनी का है? इस गांव से लिया है। अरे मैं तो बातों में भूल ही गई, मैंने अपने हाथों से जलेबी बनाई है तुम्हारे लिए, प्लीज खाओ ना। विजय कॉफी पी लो। पहले जलेबी तो खाने दो। जलेबी खा के कॉफी पीने से टेस्ट नहीं मिलेगा, पहले कॉफी पियो। लाओ ये मुझे दे दो, मैं बाद में ले लूं। तुम आज रात घर पे डिनर पे आना। हाँ आज रात उसकी दूसरी पार्टी है। भांजे वो इधर लाओ। क्या है मामा, इतना कम क्यों है? लो जी भर के लो। समझ गया ना? रुको। ए, ड्रिंक कैसे किया जाता है तुमको पता है? पहले थोड़ा सा ड्रिंक लेते हैं, फिर ग्लास भर के पानी मिलाने का। तुम सिर्फ पूरा ड्रिंक ही लोगे क्या? मुझे कैसे पीना चाहिए इसको पता नहीं है। ऐसे पियोगे तो तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। ए भांजे, इसके बाद इससे पीने को मत देना। ओके मामा। ये सब विदेशी शराब है। विदेशी शराब है तो क्या, पी कर लुढ़क गया तो ट्रक मंगाने पड़ेंगे ले जाने के लिए। रख इधर। फेंक इसको इधर। अरे आप उसे फेंक क्यों रहे हैं? क्यों, जानवर जैसे हड्डी चबाने दो इसको। ऐसा नहीं है, इन्होंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है इसीलिए ये हड्डी ही चबाते रहते। अरे बाप रे, ये केला है मुझे नहीं मालूम क्या। तेरे मुंह में डालूं क्या? तू ही डाल ले। उन्हें चढ़ गई है मामा। अरे बहुत ज्यादा चढ़ गई है। ये उनके मुंह में डाल दो नहीं तो तुम्हें काट लेंगे। अरे अरे, इनके काटने के बाद कोई दवा भी असर नहीं करेगी। ऐसा है क्या? मुंह खोल, ये ले डाल, निकल जा। ये तो सिगरेट है, ये भी मुंह में डालूं क्या? ए तू कुछ ज्यादा ही मुंह में ले रहा है। भाजी एक काम करते हैं, एयरपोर्ट के पास जो खाड़ी है इसे वहां ले जाकर ढकेल देते हैं। सांसें दहक रही, मैं जाऊं इधर या जाऊं उधर, तू आए नजर मुझको ऐसे क्या देख रही, मेरी सांसें दहक रही। Thank you.
क्या हवा है रे, मैं जाऊं कहीं रे, आए तू नजर, आए तू नजर, लेडी डॉक्टर जो देखे मुझे, तू ही लगे लेडी डॉक्टर। नई पैंट शर्ट जब पहनूं मैं, दिल कर तुझसे मिलूं दिल भर, पास से कोई लड़की गुजरे उसमें भी तू आए नजर। अंबर पे उड़ता रॉकेट जो मैं देखूं तू आए नजर, फूलों को छूता हूँ तो तू उनमें भी दिखती दिल भर, बाइक पे कोई लड़की देखूं तू आए नजर, तू आए नजर। आगे से दिखती हो खुशबू, पीछे से लगती हो रम्मा, तुम चाल चलो तो लगो नगमा, तुम हो इसके सजना। जब देखूं कोई खेल आए नजर तू आए नजर, जब मैं FM सुनता हूँ तेरी कसम तू आए नजर, लॉस एंजलस देखूं तो तू आए नजर, तू आए नजर, लैला मजनू के किस्से सुनता हूँ तो तू आए नजर, लेट के जब देखूं अंबर तू आए नजर, तू आए नजर। आगे से दिखती हो खुशबू, पीछे से लगती हो रंबा, तुम चाल चलो तो लगो नगमा, तुम हो इसके सजना। ऐसे क्या देख रही, मेरी सांसें दहक रही, मैं जाऊं इधर या जाऊं उधर, तू आए नजर मुझको। ऐसे क्या देख रही, मेरी सांसें दहक रही। हेलो, ए क्या हेलो, बड़ों से इज्जत से बात करो। ओके, क्या बात है, आज तुम बहुत ही चमक रहे हो। तो क्या तुमने बाल कटवाने के लिए मुझसे परमिशन ली थी क्या? तुम क्या कलेक्टर हो जो मैं तुमसे परमिशन लूंगा? वो सब मैं नहीं जानता, सब प्रोग्राम कैंसिल। नहीं नहीं, आज का प्रोग्राम कैंसिल हो ही नहीं सकता, आज घर का कोई भी नहीं रोक सकता, आज तेरा टकला होना है वो होकर रहेगा। राजा, टकला कैसे किया जाता है तुझे पता है? ओनिडा टीवी में भूत की तस्वीर आती है ना, वैसे ही। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई लव यू। ए, मैं तुम्हें बताता हूँ किस लैंग्वेज में किस तरह लव यू कहा जाता है। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो गीत गाकर उसे समझा दो, हमें आज ही यहाँ से जाना है, तुम अपना काम जल्दी कर लो। मामा, मैं उसको डांस करके बता दूं क्या? डांस से तो वो नहीं समझ पाएगी, उसे इस तरह समझाना चाहिए जिससे उसका दिमाग घूम जाए। ओके, इस बासुरी से समझाओगे क्या उसे? ये लो इसे, आप रख लो, यू एंजॉय। मेरे लिए 10 केटल भेज देना। नहीं मिला तो 10 स्नैक्स भेज देना। अंजलि, फूल गूंद रही हो क्या? नहीं, माला बना रही। वही तो, तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। डियर, तुम्हें फूल बहुत पसंद है क्या? तो फिर इन्हें गूंद क्यों रही हो? वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी दीदी और भाभी को बहुत पसंद है। ओह, ऐसा है क्या? मैं भी तुम्हारी मदद करूँ? तुम मेरी क्या मदद करोगे? हाँ अंजलि, तुम हाँ कहोगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम ना कहोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नाराज हो गए? यही तो, तुम्हारी यही अदा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब रहने भी दो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें देखते ही सारी टेंशन भूल जाता हूँ, तुम परेशान नहीं होती क्या? मैं भला परेशान क्यों हूँ, शादी से पहले परेशान मेरे मम्मी पापा होंगे और शादी के बाद मेरे पति परेशान होंगे। अंजलि, शादी की बात से मुझे एक ख्याल आया, सुनो, मुझे ऐसा आइडिया दे सकती हूँ जिससे मेरा चक्कर चल जाए?
सारे आइडियाज हैं मेरे पास, लेकिन एक जबरदस्त आइडिया है। वो क्या है? अपने मनपसंद के लड़के से शादी करना। ये तैयारी पहले से ही कर रखी है। ब्लड रिलेशन में शादी करेंगे तो पैदा होने वाले बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होंगे, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल ठीक, तुम जो कह रही हो, चाचा का लड़का, मामा मामी का लड़का, ब्लड का रिलेशन जिनके साथ तो शादी नहीं करनी चाहिए ना। यस, थैंक गॉड। अंजलि, मैं 5-6 दिनों से दिमाग में एक बात सोच रहा हूँ, उस बारे में तुम क्या सोचती हो ये भी बता देना। अगर बता ना सको तो इशारे से कह देना, मैं बाहर चला जाऊंगा, जो भी तुम्हारा रिएक्शन होगा बता देना। बेटी ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये कौन है अंजलि? आकर बताती हूँ। वो बिना बताए दौड़ के क्यों चली गई, जैसे किसी फैक्ट्री का वॉचमैन आ गया है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाय अंजलि। इसी का बना हुआ ताजमहल लगता है, लगता है तुम्हारे सारे सपने बिखर गए। लास्ट वीक मैं ताजमहल देखने गया था। ताजमहल देखने गया था या सिर्फ कैलेंडर में देख लिया? छोड़ क्यों फेंक रहा है। ताजमहल देखने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक चीज खरीदी थी, एक पेन। ये ताजमहल के पास से खरीदा हुआ पेन है। तुम जानती हो इस पेन से सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? तुम्हारा नाम अंजलि। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू। सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरी तरह से टाइट रखना, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे मिलना। ये मेरे जीजा का घर है। भांजे, पता चल गया ये इसके मामा का घर है, चलो चल के देखते हैं। मुस्तफा, मुस्तफा, डोंट वरी, मुस्तफा। औरत है जिसके गोद में बच्चा है, उसे देख कैसा हाथी जैसा सामान ढोकर ला रहा है। दीदी ये तुम्हारे और बच्चों के लिए। अरे यार ये क्या, ये तो ऊंट की तरह अपने आप को जीजा बोल रहा है। आंटी ये आपके लिए। ट्रांसफार्मर के ऊपर हाथ रख दिया। ब्यूटीफुल, थैंक यू जीवा। ये तो पूरा गेम खेल रहा है। आइए परिचय करा दूं, ये बड़ी भाभी के भाई जीवा और ये छोटी भाभी का भाई विजय। ग्लैड टू मीट यू। हाय। मेरा भाई आईपीएस की परीक्षा पूरी करके हमारे यहाँ डीएसपी बन के आए हैं, अगले महीने आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। आई विल ऑल्सो सी। तुम कहाँ तक पढ़े हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, सेलुलर, पेजर, कंप्यूटर ग्राफिक्स। अरे तूने तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया। ओके जीवा, चलो चलते हैं। अंजलि, वो जो माला गूंद रही थी उसका क्या? वो रहने दो, मैं बाद में बना लूंगी। कम ऑन। हेलो, यहाँ पर आओ। तुम्हारी हाइट कितनी है? 6'4". तुम्हारा वेट? 105। यू कैन गो। अरे भाई अभी इधर नहीं रहने का, उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ ही मोड़ दिया, आगे चल के हमारा विकेट ही गिरा देगा, इसे यहाँ से निकालो नहीं तो यह हमें अंदर कर देगा। आजो, 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 आजो। ए, रुको। ए बुढ़े, हमसे क्या छुपा कर ले जा रहे थे, हमसे कुछ नहीं छुपा सकते, अंदर आईजी अंकल है क्या? अंदर मेहमान आए हैं। उनसे मिलना है क्या? उनसे नहीं मिल सकते, कुंवारी लड़कियाँ उनसे मिलने बहुत आती है, उनसे शादी ब्याह कराना है क्या जो उनसे मिलना चाहते हो? नहीं मिल सकते, जाओ ना। मेहरबानी करके मिलने दो, लड़की के बाप हो इसलिए मिलने दे रहा हूँ, लेकिन पहले बकरा मुर्गी खाने पीने का इंतजाम करो, बहुत सारे लोग है, उसके बगैर जाओगे तो तुम्हें भगा देंगे। कैसे भगा देंगे? लात मार कर भगा देंगे आए हुए, उससे पहले ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्या मामा, ये तो इनके रिश्तेदार हैं, फिर तुमने इनको ऐसे कैसे यहाँ से भगा दिया? काहे का रिश्तेदार है, एक नंबर का लुक्का लफाड़ी है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और रिश्तेदार बनने आ गया। वन गेम, प्लास्टिक की बोतल लेकर खेल कह रही है, ये क्या खेल रही है? इस गेम का नाम क्या है जानते हो क्या? खाली बोतल गेम। नहीं, गुल्फी। अंजे, गेम। सुपर मामा, इस गेम को कैसे खेलते दिखाती हूँ। अरे ये गेम तो बहुत अच्छा है, इसे ऐसे खेलते हैं क्या? कपड़ा खोल के जांग के बीच में ले ली। इस 1 रुपए के कॉइन को माथे के बीच में रखना होगा, ऊपर देखकर 1, 2, 3 कहना होगा, 3 कहने के बाद इधर डालना होगा। ये गेम तो बहुत अच्छा है, हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे। ऐसा क्या? तब तो इंडिया डेवलप हो जाएगा ना। सुनो मामा, अगर किसी ने कर दिखाया तो उसे 100 रुपीज दूंगी। अंजलि, बोतल मुझे देना। नहीं नहीं, इसे मत देना। नो 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 नो, पहले विजय करेगा। देखा मामा, वो जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब ये है कि मैं उसके दिल में हूँ। उसके दिल में तू नहीं है, तो वो तेरा लेने को सोच रही है। ओ, जाओ खेलो और जीत कराओ।
जन्मा। ऐसा रेडी हूँ। तैयार है ना? वन टू थ्री। भांजे, हम यहाँ का उसके चक्कर में अपना सब कुछ भूल गए हैं। कुछ दिन में बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। चलो चलो चलते हैं, चलो। मामा, हमारे पैर, हमारी साइकिल और उसकी कवर। भांजे, हमारा साइकिल हमारा प्रॉपर्टी है और ये कार पब्लिक प्रॉपर्टी है। जिसका है वो पर्सनल यूज करेगा। मामा, इसकी हवा निकाल दूं क्या? हवा निकालेंगे तो हवा भर के फिर से चला जाएगा, इसलिए टायर ही निकाल देते हैं, यही सटक के रह जाएगा। ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऊपर वाले का भला करने से पहले तू अपना भलाई कर ले। मैं तो कलर लगाने वाला हूँ, कहाँ कलर लगाऊं? ये कौन है? ये मेरे पहचान वाला है, सब जगह पेंटिंग का काम करता है। अब थोड़ा सा पागल हो गया है। अरे वो पागल है क्या? ये तो सचमुच पागल है। तू पागल है? तो मैं पागल हूँ। ये सचमुच पागल है, अपने ऊपर ही पेंट लगा रहा है। अरे कलर किधर लगाऊं? अरे तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे कलर लगाना है ना, इधर सर पे लगा दे, ऐसे ऐसे। सही है सही है। सुपर 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 सुपर। विजय जी, ये लो, खा लो ना, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। इसे किसी को मत देना, तुम इसे अकेले खा लेना। खा लो ना। नहीं, मैंने खा लिया है। भांजे, ये लोग बहुत पहुंची हुई चीज है, ये गले पड़ने की कोशिश कर रही है। चल पहले जलेबी खा ले। रख लो ना, आज स्पेशल दिन है, इसीलिए मैं तुम्हें जलेबी दे रही हूँ। भांजे, तुम ये फंक्शन अटेंड करो, मैं एक छोटा डीलिंग करके आता हूँ। आज मेरी लड़की का जन्मदिन है, इसलिए हमने मीठा बनाया। हाँ, मैंने पैदा किया है। क्या तूने पैदा किया है? इसी बात का तो मुझे डाउट है। तुम दोनों कोयले की खान हो और तुम्हारी लड़की फुलझड़ी है, ये गजरा। अरे छोड़ो ना, किसी ने भी पैदा किया हो कुछ गड़बड़ है। ये पता चलने के बाद मेरे पास आना, मैं ले जाऊंगा। धन्यवाद। उतना ही नहीं, उसके साथ दान दहेज, गाड़ी, बंगला, पैसा। ये निकाल पैसा, ये लो पैसा। ये क्या है? पैसा अभी बैंक से निकाल के लाया हूँ। इसे बैंक से निकाल के लाया है तू? ये बैंक वाले भी भिखमंगों की तरह प्लास्टिक के थैली में पैसा रखते हैं क्या? अच्छा लाओ। दामाद जी, शादी के समय पूरा बैग भर के दूंगा। इसे अभी रख लेता हूँ, इसी तरह मैं बीच बीच में आता रहूंगा। तुम पैसे तैयार रखना, मैं लेता जाऊंगा। बाय बाय। क्या है ये, तुमने बैग भर के पैसा देने का वादा किया है शादी में? अरे शादी तो हो जाने दो, फिर देखना मेरी लड़की इसे कैसे हलाल करती है। कैसे हो माँ? मैं यहाँ पर ठीक हूँ। माँ सुनो तो, जीवा यहाँ पर अच्छे से पहुँच गया है। मेरे सास ससुर को उसका आना बहुत अच्छा लगा। छोटी को भी यहाँ पर आ जाने के लिए बोलो, अंजलि से बहुत याद करती है। हाँ 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 माँ, कल सदीश की मुंज है और राखी का भी एक छोटा सा फंक्शन है, उसी की तैयारी चल रही है माँ। अरे छोड़ना यार, ये तो मेरी बीवी है। अरे छोड़ छोड़ना यार, छोड़। अरे मैं कह रहा हूँ ना यार, छोड़, ये मेरी बीवी है, छोड़ना यार। रुको ना, लिपस्टिक लगा के तुम एकदम मस्त लग रही हो। छोड़ना? अरे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बाप रे, लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोचेंगे। मेरे जैसा पाउडर और लिपस्टिक भी लगाना चाहिए सुंदर दिखने के लिए। मामा, मैं सोच रही थी कि तुमसे शादी कर लूं। थैंक यू डार्लिंग। धीरे धीरे हुआ है रे प्यार किसी को किसी से रे। गांव में ऐसे सो रहा है जैसे जंगल में जानवर सोता है। 1 2 3 4। क्यों भाई, ये क्या किया तुमने? मेरे सर पर अंडा क्यों फोड़ा? वो क्या है कि मुझे अंडे फोड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तुम्हारे अंडे जैसे सर को देखकर इसी पर फोड़ दिया। क्या अच्छी चीज हुई, मुझे अंडा फ्राई करके खाना है ना। ऐसा करो, तुम जल्दी से इसे पोंछ कर इधर आ, तुम्हें चूल्हे पर चढ़ाते हैं। क्या ये तुम क्या कर रही हो? ये रिमूव कर रही हूँ, बाल निकालने के बाद चिकना लगता है, तुम भी ट्राई करो ना। इस कमरे को तुमने सैलून समझ रखा है क्या? ये तुमने किसका टावल बांध रखा है? नहाने के लिए चावल बांधा है। तुमने अपना टावल क्यों नहीं बांधा?
तुम्हें ये चावल अभी चाहिए क्या? ए, आंखें क्यों बंद कर रहे हो तुम? हाँ ए, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? मुझे तो कुछ पता नहीं, पर तुम्हारे सामने तो बिल्कुल नहीं। ए विजय, बस अभी आया माँ। सुनो सनम तेरी कसम, तुझ में हया आ गई रे। यहाँ खड़े होकर घूर घूर के मेरे भाई को क्यों देख रही हो? क्यों, प्यार हो गया है उससे? हाँ, वो अपनी माँ और बहन का इतना ख्याल रखता है तो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेगा ना। आप अपनी माँ से कहकर हमारी शादी की बात करो ना। पागल लड़की, अभी से शादी के बारे में क्यों सोच रही हो? अरे कुछ दिन रोमांस करो, बाद में सोचेंगे शादी के बारे में। उससे पहले अगर शादी कर ली तो तुम्हें एंजॉय करने का वक्त नहीं मिलेगा। चलो मंदिर चलते हैं। ए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बस तुम्हारी हाँ सुनने के लिए यहाँ पर अभी तक रुका हुआ हूँ। बस जल्दी से तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। सॉरी मामा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? मैं अभी 8 साल की हूँ और तुम 27 साल के हो, और जब 10 साल बाद होगा तो मैं इनकी तरह मोटी हो जाऊंगी। तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। तुम दूसरी लड़की से शादी कर लो। विजय, तुम भी चलो ना हमारे साथ। क्यों, मामा का इंतजार कर रहे हो? नहीं, उन्हें छोड़ के जाने की सोच रहा हूं। चलो हम चलते हैं। मुझे छोड़ने के लिए? मैं क्या कोई गाड़ी का डब्बा हूँ? नहीं मामा, अंजलि ने पूछा तो मैंने सोचा तुम्हें अपने ससुराल जाना है ना? अरे रे 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 रे, मेरे लाडले प्यारे, मेरे चांद के टुकड़े, तेरे दिमाग में क्या इंटरनेशनल आइडिया आया है? एक लड़की के प्यार में तू अभी से घबराने लगा? छोड़ो मामा, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। तुम क्या समझते हो, इसके अलावा और मैं क्या कहता? अपने प्यार का कैसे इजहार करता? अकेले में बोलना, वो कार में बैठ के चली गई, तू सिर्फ सोचता ही रह गया। जल्दी जा, जैसे ही गाड़ी से उतरेगी उसे अपने पाँव में भर लेना। वो मान जाएगी ना? वो बिल्कुल मान जाएगी। हाँ जी, तैयार हो रहे हो क्या? सही है। आइए जी, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आता हूँ अभी। मामा। हाय अंजलि। You are looking smart, huh? Thank you. इसने तो रास्ता बदल लिया मामा। ए भांजे, तू इसके लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है यार? मामा, मैं लास्ट वीक राजस्थान गया था। ये हमेशा पूरे देश में घूमता ही रहता है, क्या ड्यूटी नहीं करता? ये छल्ला तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये ले। Oh, thank you. तो ये भिकमंगे के फैमिली से है क्या, इस तरह लेती रहती है? मामा ऐसा मत बोलो मामा। ये तेरे प्यार का मामला है ना? जीवा, तुम व्हाइट ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू। मैं चलती हूँ। बाय। ऊपर वाला सबका भला करेगा। रास्ता बदल कर तू इधर कैसे आ गया? अरे बहुत खुश नजर आ रहे हो। इस गांव में हम दोनों के अलावा तुम्हें और कोई नहीं मिलता क्या? मैं सोच रहा हूँ आपको भी पेंट कर दूं। हमें पेंट लगाएगा? जी हाँ। थोड़ा सा घूम जा। यहाँ तो सब मुझे ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना। मामा जाने दो ना बेचारे को। सिर्फ एक यार। नहीं मामा, एक बार मुझे करने दो ना, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू कर। अरे अरे अरे, ये क्या किया? अभी ठीक ढंग से पेंट लगा दिया ना? मामा मामा, इसके कपड़ों जैसे ही अपने को भी कुछ करना होगा। आइडिया बताओ ना मामा। आइडिया? हेलो 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 हेलो, हाथ मिलाएंगे सर? नहीं, हाथ तोड़ देंगे आप। सर, वो लड़की आपको कैसी लगती है? या शी इज वेरी नाइस गर्ल। ये कौन है? देख तेरा बाप। मामा ये क्या बोल रहे हो? मेरा बाप? बकवास मत करो। इसको राइस मिल में क्या पगार मिलता है? 500 रुपए मिलते हैं। इसे 200-400 बढ़ा के दे दूंगा।
ए, तुम मेरे घर पे काम करोगी? मैं अपने पति से पूछकर आती हूँ। आना जरूर। बुलाओ उसको, चाचा जी आ रहे हैं। बुलाओ चाचा जी, यहाँ आइए। आता हूँ। मामा, ये जो तुम गेम खेल रहे हो उसमें कहीं ये तुम्हारा बाप ना बन जाए। अरे भांजे, तुझे क्या पता मैं किस तरह का गेम खेल रहा हूँ, देखना मैं उसका बाप बन जाऊंगा। मामा। हाँ भांजे, तू जा। और सुन, जा के सांभर लेकर आ, उसी सांभर में हम उसके कपड़े को पेंट कर देंगे। सांभर। हाँ, सांभर। बोलो बेटा। कुछ नहीं, बस यूं ही गुल्फी के लिए बुलाया था। गुल्फी है? हाँ जी, बोतल के अंदर गुल्फी। ये लीजिए बोतल। चाचा, पहले इस बोतल को ऐसे डाल दे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? उसके बाद इस कॉइन को ऐसे माथे पर रखने का, उसके बाद 1 2 3। गेम को गेम की तरह खेलना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। हाँ, बहुत अच्छे, तुम्हारा गेम को मैं समझ गया, नहीं तो तुम लोग मेरे पैंट में सांभर डाल के छोड़ देते। नॉनसेंस। थैंक यू सर। भांजे, तूने अच्छा मौका खो दिया। कैसे मामा? शादी करके इस लड़की को जल्दी से घर ले आ। अगर तूने ऐसा करने में देर किया तो ये लेकर उड़ जाएगा। अरे अरे। हाँ, नहीं तो इस लड़की को भूल जा और दूसरी लड़की के बारे में सोच। हाय। 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 हे। देखो, उसे दूसरी मिल गई। लगे रहो भांजे। ए बच्चे, मैं एक चीज दे रहा हूँ, क्या तुम वो चीज ले जाकर उस बहन जी के हाथ में दे दोगे? जो खड़ी है या बैठी हुई है? वो जो वहाँ बैठी है, उसको ध्यान से। दीदी, मामा ने एक चीज दी है, दू क्या? तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर खुद ले लूंगी। किस लेने के लिए पोस्टमैन की क्या जरूरत थी, मुझसे मांग लेते ना। ए, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो मुझे, धक्का क्यों मारा? इसे ही नहीं, तुम्हारे साथ जो भी लड़की होगी उसे मारूंगी। डीएसपी की रिश्तेदार हो, इसलिए रोक जमाओगी? बड़ी भाभी का भाई है, अच्छे पोस्ट पर है, मेरी और उनके सिर्फ अच्छी दोस्ती है, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, पता नहीं तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है। क्यों करूं? क्यों नहीं करोगे? क्यों, तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा। हाँ नहीं बेटा, रोते नहीं। अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हुआ? समझ नहीं आता, इतनी एजुकेटेड फैमिली होते हुए इतना केयरलेस क्यों रहे आप लोग? डॉक्टर, घबराने वाली बात नहीं है ना? यदि पहले ही आ गए होते तो इतना सीरियस मामला नहीं होता। आपके लड़के का दोनों किडनी फेल हो चुके हैं। इमीडिएटली इनकी किडनी बदलनी होगी, जो उन्हें किडनी डोनेट करेगा उसका ब्लड टेस्ट करना होगा। डॉक्टर, किडनी किसकी मैच हो रही है?
मिस्टर विजय का ब्लड ग्रुप मैच हुआ है। विजय, शादी कर लूंगी, पापा को किडनी दे दो। ये मोती ऐसे ना बहाओ तुम, मन ये महकेगा जरा मुस्कुराओ तुम। तुम्हारी राहों को मैं सवारूंगा रे, कांटे हटा दूंगा फूल बिछा दूंगा रे। तू तो पंछी है मेरे पिंजरे का रे, तू तो है फूल मेरे गुलशन का रे। और मेरे मन गुनगुना रे तू, रुत है फूलों की मुस्कुरा रे तू। जीवन के खेल है तू मुस्कुरा के खेल रे, होगा ना कम कभी ये तुमसे मेरा मेल रे। पल तो पल का नहीं अपना तो ये संगम रे। तुम रमी क्यों खेल रहे हो? ये देखो मामा, सारी सीट पे कब्जा करके पत्ते खेल रहे हैं। जी हाँ, ये लोग बीच हॉल में बैठ कर पत्ते खेल रहे हैं। बाथरूम जाने के लिए भी जगह नहीं है, घूमने के लिए भी जगह नहीं है। मैं इनके पत्ते ही छीन लेता हूँ। ए, ये सब पत्ते इधर लाओ। हम खेल रहे हैं, पत्ते क्यों? क्या कर रहे हो? इधर लाओ। अरे अरे अरे, क्या लाओ? विजय जरा यहाँ। विजय, आज के बाद तुम इस घर में मत आना। तुम्हारी हरकतें मुझे पसंद नहीं है। ये क्या मामा, ये ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये ऐसे ही बोल रही हैं, मजाक कर रही हैं। मजाक नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। जिसे एक किडनी नहीं है उसे मैं अपनी बेटी नहीं दे सकती। माँ जी, आपके बेटे को बचाने के लिए किडनी दी है ना? मेरे बेटे के लिए नहीं, बल्कि अपने बहन के सुहाग को बचाने के लिए इसने दिया है। ठीक है, जो भी है तुम लोग जा सकते हो। माँ ने अच्छा नहीं किया, पता नहीं क्यों किया। माँ का बर्ताव किसी को भी अच्छा नहीं लगा। अंकल, मैं अपनी छुट्टियों में यहाँ आई थी, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगी। आप किसी तरह मेरी और विजय की शादी करवा दीजिए, प्लीज प्लीज मेरा साथ दीजिए अंकल। तुम्हारी शादी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। विजय का हाथ मांगे अगर तुम्हारे घर वाले आकर तुम्हें दे सकता हूँ। इस शादी में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। मेरा लड़का जिसे पसंद करता है मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी है, लेकिन ये आसान नहीं है। तो फिर हम दोनों की जिंदगी का क्या होगा? तुम दोनों की शादी हो सकती है, लेकिन सब लोग मिलकर करेंगे तो? अगर सबके खिलाफ जाकर शादी करोगी तो बहुत मुसीबतें होंगी। दोनों परिवार को राजी होना जरूरी है। थोड़ा सोच के देखो, अगर सबकी मर्जी से शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर ये रिश्ता तुम्हारे घर से जुड़ जाए तो दोनों परिवार ही खुश रहेंगे। उसकी माँ की घबराहट स्वाभाविक है। उनकी जगह कोई भी होता तो अपने औलाद की खुशी के बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचता। मेडिकल साइंस के मुताबिक जीने के लिए इंसान को एक किडनी काफी है। इसका मतलब भगवान इंसान को दो दो किडनियां ऐसे ही दे दी है? यू सी, दूसरी किडनी एक स्टेपनी की तरह है। अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरी किडनी काम करेगी। ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन उसकी माँ ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए ना, हम लोग यहाँ से खुशी खुशी जाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज विजय राघवन का एक्सरे है, ये मिनिस्टर बाला सुब्रमण्यम का है, ये स्पोर्ट्समैन प्रदीप कुमार का। इन सभी लोगों ने अपना एक किडनी दान दिया है और सभी अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं। मैंने अभी तक इस तरह का 1,500 ऑपरेशन कर चुका हूँ। जितने लोगों को ऑपरेट किया वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।
अभी मैं 74 का हूँ। जब मैं 32 साल का था अपना एक किडनी डोनेट कर दिया था, उसके बाद मैंने शादी भी की और आज के दिन 3 बच्चों का बाप हूँ। नाउ सी यंग मैन, एक किडनी दान कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो कहा है ये सब एक पेपर पर लिखकर दे सकते हैं क्या उस लड़की के माँ के मुंह में डालने के लिए? थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। यस। किडनी डोनेट करके भी कोई टेंशन नहीं लिया, लेकिन कोई तुम्हें लड़की न दे कि इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये बहुत सोचता है, बहुत सोचता है। तुम्हारी जिंदगी सलामत है तो एक नहीं 1000 लड़कियां मिल जाएंगी। अरे रे रे। यंग मैन, जो नहीं मिल सकती उसे भूल जाना बेहतर है। मैं उस लड़की को नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकते हो तो फिर क्या करोगे? नहीं तो क्या करूंगा? तूने मेरे दिल को रे प्यार की चक्की में पीस दिया। जूड़े में गजरे की तरह तूने मुझको बांध लिया। खेत की खुशबू वाली मिट्टी दिया दिया रे बना दिया। हो जब वो हंसती रे मेरे मन में तूफान उठे। वो इतनी सुंदर है उसे पाने को मन करे। उसने मेरे दिल को रे प्यार की चक्की में पीस दिया। अपनी सुन बात बात जरा ध्यान से, शादी तुझसे ही करूंगा। जोड़ी ब्यूटीफुल है हमारी, तेरे बिन मैं न रहूंगा। लड़की तो है भला मक्खन ब्रेड की तरह, अच्छे गेम की तरह, मीठे जैम की तरह। सच बोला तू इस मिश्री का हिस्सा है मीठा मीठा। तू गोरी की साड़ी का हिस्सा है कांवरिया का। तू गोरी की अंगूठी का नगीना है नगीना। उसने मेरे दिल को रे प्यार की चक्की में पीस दिया। तूने अपने माथे का मुझको टीका बना दिया। हो जब वो हंसती रे मेरे मन में तूफान उठे। वो इतनी सुंदर है उसे पाने को मन करे। कपड़े धोते वक्त वो मुझको अच्छी लगती। हाँ, बाल बनाते समय दिल को मेरे भाती। हाँ, अरे आके अचानक वो जब मुझको छेड़ती है। हाँ, अच्छी लगे दिल को मस्ती करने वाली लड़कियाँ। जब वो नाश्ता बनाती दिल को छू जाती है। हाँ, खेत में बच्चों को देखो छेड़ती फिरती है। हाँ, सर झुका के जब चले वो दिल पे वार करती। हाँ, नीच निगाहों से वो सबको देख लेती। हाँ, सच है मान वो तो लगे अप्सरा। खूब है रे खूब है देखी तेरी दिलबरा। मेरी नदाओं को रे ऐसे तू देखना। जब तू देखे शर्म मुझे आती है ओ साजना। होठ मेरे होठों पे रख दे तू ओ साजना। तेरी सांसों से मेरा मन ये सुलगे साजना। मुझको कस के बाहों में भर ले ओ रे साजना। Thank you.
मामा हा? ये सब दिखाने के बाद तो सबको ठीक हो जाएगा ना? अच्छे काम पे जाते समय इस मनुष्य ने छींक दिया, चलो वापस चलो ना मामा, देखते हैं ना मामा। रुको भांजे, थू 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 मामा। ए सुनो सब, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तब तक यहाँ से कोई नहीं उठेगा। मैडम, ओ मैडम, लड़के में ये नहीं है वो नहीं है, कहकर लड़की नहीं देना चाहती हूँ ना सासू माँ, तो ये देखो। मामा छोड़ना यार, मामा छोड़ना। मामा इस सीरियस सिचुएशन में इतना गर्म होकर बात करोगे तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाने दो। लड़की नहीं देंगे? नहीं देंगे, मैं अच्छे से बात करता हूँ। सासू माँ, सासू माँ, ये देखो पढ़ो, डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है। इंसान के शरीर में दो किडनी होता है, एक किडनी स्टेपनी की तरह है। कार के लिए स्टेपनी नहीं रखते हैं क्या? बस के लिए स्टेपनी नहीं रखते हैं क्या? लॉरी के लिए स्टेपनी नहीं रखते क्या? स्कूटर के लिए भी स्टेपनी रखते हैं, तो क्या इंसान अपने लिए स्टेपनी नहीं रख सकता? इसी तरह एक किडनी में भी इंसान खुशी से जी सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने बताया है? हाँ जी। एक मिनट। ये किसकी मैगजीन में पढ़ चुका हूँ? एक डॉक्टर एक ऑपरेशन करते वक्त एक लड़की के पेट में कैंची छोड़ चुका है। ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था। ठीक ठीक। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक हंसते खेलते लड़की को व्हील चेयर पर बिठा दिया। बताओ ना, ये सब तो इंडिया में हुआ मामा। तुम ही बताओ ना, ये बहरी है क्या? हेलो, फॉरेन में, स्टेट ऑफ अमेरिका में ये हुआ है। दिमाग में लेफ्ट साइड में ट्यूमर था तो डॉक्टर ने राइट साइड का ऑपरेशन किया। ऐसे डॉक्टर पर मुझे विश्वास नहीं, ऑल रॉन्ग डायग्नोसिस। चल चलते हैं। मामा प्लीज मदद करो ना। क्या मदद करूं मैं तेरी, तेरे को एक किडनी नहीं है, ये भूलने को तैयार नहीं है। हेलो नाना, आपका बेटा और आपका साला यहाँ आकर मेरी दादी से उनकी बेटी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ये लो बात करो। हेलो, बोलिए पापा। तुम अपनी बेइज्जती कराने वहाँ गए हो क्या? नहीं पापा, मामा यहाँ का थोड़े गुस्से से बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? मैं गुस्सा कर रहा हूँ? वो भी वहाँ है क्या? तुम लोग तुरंत यहाँ आ जाओ। वो क्या बोल रहे हैं? हमें तुरंत बुलाया है। ए, अगर मामा नहीं होते तो डैडी जिंदा नहीं होते, उन्हें जाने क्यों दिया? मैं ऐसा ही करूँगा। ये क्या किया तूने? माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कार के पास खड़ा होकर रो रहा है, वो तो अपना विजय है। रहने दो, जब तुम्हारी माँ मरी थी तो तुम 5 साल के थे और तुम्हारा भाई 8 साल का था। तुम सब जानते हो मुझे ब्याह कर लाने के बाद तुमने मुझे माँ कहा और मैंने तुम्हें माँ बन के पाला, और जब तुम्हें किडनी की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं ही आगे आई थी, लेकिन मेरी लड़की को छोड़कर। सासू माँ, सिर्फ मेरा ही भाई इसे पसंद नहीं करता, अंजलि भी उसे चाहती है। मैंने तुम्हें जब आशीर्वाद दिया था सदा सुहागन का ही आशीर्वाद दिया था, लेकिन अपनी लड़की को नहीं दे सकती, और ये आशीर्वाद पुरुषों के लिए नहीं होता है। अगर विजय से शादी कराती हूँ तो वो सदा सुहागन रहेगी, इस बात का मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। सुनो, तुम मामा के साथ भाग क्यों नहीं जाती हो? इसे क्या करना है, इसे तुमसे ज्यादा मालूम है। भांजे, तू टेंशन में है क्या? मामा मामा, वो लड़की देने से इनकार कर रहे हैं, कुछ तो करो ना प्लीज। ये नींद में भी गधे की तरह हंस रहा है, सोते हुए भी इसे बहुत खुशी हुई लगता है। उठा इसे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह की आपकी बच्चों की मदद करेगा, आपको घर भर देगा, खुदा आपको भी देगा बाबा, खुदा आपको भी देगा। हाँ ये लो, एक एक रुपया सबको। ए मामा, मैं अब अंजलि को पाने के लिए क्या करूं? ए अंजलि के बारे में बात मत कर, दूसरी लड़की देखेंगे। मामा मैं अंजलि के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकता। तूने भी ऐश्वर्या और सलमान की तरह प्यार किया है, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती उसके अलावा। मामा अरे भांजे, ये यहाँ पर हथियार के साथ क्या कर रहा है? चल भाग चल यहाँ से। अरे वो अपने काम से बैठा होगा, मैं अपना मैटर सुलझाने के लिए कह रहा हूँ और तुम यहाँ से भागने की बात कर रहे हो। भांजे उसके हाथ में हथियार देख रहा है ना, अगर उसने हम दोनों पर वार कर दिया ना तो भागने के लायक भी नहीं रहेंगे। तुम हथियार से डर रहे हो, देखो वो तुमसे डरता है। क्या हुआ, फेंक दिया क्या? दामाद जी, अपने जूते उतारोगे क्या? जूते क्यों, बेचोगे क्या? नहीं, मैं उसे पॉलिश करने के लिए मांग रहा हूँ, पैर के नीचे की मिट्टी भी चाहिए। मेरा कहना, मैं हूँ यहाँ का राजा, सुन लोग माने मेरा कहना, मेरे पाँव की मिट्टी को समझे वो गहना। महाकाली महाशक्ति,
म्यूजिक बंद करो। क्या हुआ इसको? पकड़ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा है। इसके पैर के नीचे की मिट्टी निकाल ली किसी ने। भांजे अब देखो कल क्या होता है। मजाक मत कर, चलो उसे ढूंढते हैं। चलो ये बंदर कितना पेड़ पे चढ़ गया। ए बंदर नीचे उतर कर मेरी मिट्टी दे। तू आके ले ले। ए तू अपने हाथ से निकाल के दे। वो तो मैं दे नहीं सकता। ए भांजे चढ़ जा ऊपर। ए नीचे उतर। अरे अरे इसे ऐसे नहीं पकड़ सकते। चल इधर चल। ए रुक रुक रे। ए भांजे भाग गया वो तो। ए भांजे तू उधर से जा, मैं इधर से जाता हूँ। ठीक है मामा। अरे 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 मिट्टी दे रहा हूँ। हाँ दे रहा हूँ। मिट्टी दे दे निकाल के। अरे मुँह में डाल लिया। खा लिया पैर के नीचे साफ। अरे अरे हाँ दे रहा हूँ दे रहा। अरे आंटी ज्योतिषी के मुताबिक 2 महीने में शादी नहीं हुई तो अगले 2 साल तक शादी का कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। मेरे घर वालों ने लड़की देखना शुरू कर दिया है। अपने खानदान में अच्छी लड़की के बावजूद बाहर की लड़की से शादी क्यों करूं? मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रही हैं ना? तुम अंजलि के बारे में बात कर रहे हो ना? मैं उसके पिताजी से बात करती हूं। थैंक यू आंटी, चलता हूं। रुकिए मुझे आपसे बात करनी है। कहो। मैं विजय से प्यार करती हूं। मुझे पता है। इसके बावजूद आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए? मनपसंद लड़की से शादी करने पर जिंदगी खुशहाल होती है। तुम विजय से प्यार करती हो ये सब जानते हुए भी मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर तुम्हारे घर वाले मान जाते तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन बात आज अलग है। एनीवे मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे से रख सकता हूँ, वो नहीं रख सकता, ये मुझे पता है। हेलो। ये तस्वीर टेढ़ी मेढ़ी है, सही नहीं है। ए, मेरे माँ बाप तो नीचे सो रहे हैं, तुम ऊपर कैसे आ गई? खिड़की से आई हूँ, मेरी माँ की वजह से नाराज हो। किसी के माँ बाप को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कितना दुख हुआ मुझे जानती हो? रिलैक्स रिलैक्स, एक खुशखबरी सुनाने के लिए यहाँ आई हूँ। सुनो तुम मेरी तस्वीर बनाकर उससे ही बातें करते रहोगे क्या? तो किससे बात करूँ यहाँ? मुझसे करो। पैर दुख गया ना तुम्हारा? अपनी साड़ी थोड़ा ऊपर कर सकती हो क्या? ए, मुझे ऊपर तक बनानी है। मैं बना दूंगी, लाओ। नहीं नहीं मैं करूंगा। अरे तुम कहाँ तक बनाओगे? आधा फीट तक करूंगा। और मैं 3 फीट तक। फिर तो तुम ही करो। ए, 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 चीटिंग है। चक्कर में डाल दिया ना। विजय इस तरह से हंसते रहने से हमारी शादी नहीं हो पाएगी। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो ठीक है, तुम्हारे घर वाले तो मान सकते हैं ना? इससे अच्छा एक शॉर्टकट है, हम बाद की शादी कर लेते हैं। तुम इतना आसान समझते हो? अगर ऐसे करोगे तो हमारे परिवार के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सबको दुख देकर हम खुश रह सकते हैं क्या? बोलो। तुम ये सब क्यों बोल रही हो? तुम मेरी माँ को मना लो ना। वो इन सब के लिए बिल्कुल नहीं मानेगी। तुम कुछ भी करो ना, मना लो ना। हेलो। मैं बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से मैंने उस पर नजर रखा था, उसने हाँ कर दी है। कहाँ भेजूँ उसे? उसे घर के पिछवाड़े से भेज दो, मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है मालिक। उसे भेजते ही फोन कर देना। तुम पियोगे क्या? नहीं तुम ही पियो। तुम पियोगे क्या? हाँ यही तो कर रहा हूँ। तुम किसी तरह अपनी सासू माँ को मनाना चाहते हो, अब दो। मामा हा? एक आइडिया है। क्या है बोलो। क्यों ना सासू माँ के पैर के नीचे एक सांप छोड़ दे। बेवकूफी वाली बात मत करो, सास के पैर के नीचे सांप नहीं छोड़ते बल्कि पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आइडिया आइडिया। मालिक भेज दिया। क्या भेज दिया? मालकिन मालिक ने एक बोरी मंगाया था, वो मैंने भेज दिया है। तुम्हारा फोन। हेलो मालिक।
मालकिन ने फोन उठा लिया था, उन्हें मैंने चंपाकली की जगह बोरी भेज दिया बताया। बहुत अच्छा किया तुमने, चंपाकली की जगह कोड वर्ड में बोरी बताया। हाँ मालिक। आजाओ अंदर आजाओ आजाओ। तुझे वो लड़की चाहिए कि नहीं? हाँ चलो। रुको, एक बोरी साथ मिलकर चलते हैं। बोरी काहे के लिए मामा? अरे वो मोटी है ना, बोरी में डाल कर ला सकते हैं। वो जाते समय रास्ते में ले लेंगे ना मामा। रास्ते से क्या लेने का, घर में बहुत पड़ा, यहीं से लेकर चलते हैं। अरे पापी लोग, दो मिनट कान बंद करके नहीं रख सकते थे क्या? मेरे कोड वर्ड को भी लगता है पकड़ लिया। मैं भी देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो। ये क्या जीजा, तुम बीच में खड़े होकर नाच रहे हो? मेरे साथ तू भी नाचना? मैं जब पीता हूँ तब नाचता हूँ। अरे मैं जब पीता हूँ तभी। चलो ना मामा, हम बोरी ढूंढते हैं। जीजा बाहर जाकर नाचो। ए यहाँ तू रुकेगी तो कोई देख लेगा। तू चल इधर आ, इधर आ। तू इसके अंदर रह, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बाप रे। अब ठीक रहेगा। भांजे बोरा तो नहीं मिला? नहीं मामा। अब क्या करें? इसको ले लेते हैं। हाँ गुड आइडिया। अरे रे 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 रे, इसको तुम लोग हाथ मत लगाना, ये बहुत कीमती चीज है, इसे लेकर नहीं जा सकते। सिर्फ एक दिन के लिए दे दो ना। नहीं नहीं नहीं, इसको यहीं रहने दो, छोड़ दो। अरे दे दो ना। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी बहन का दिया हुआ है। हाँ ये क्या चीज, निचोड़ जैसा बात कर रहा है, चल रहे। वो इधर ही आ रहे हैं। टेंशन है, मुझे समझाने का वक्त नहीं है, यहाँ छुप जा। दादाजी ये टाइल्स क्यों साफ कर रहे हैं? जीजा जमीन साफ कर रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या? जीजा जी आप ये काम कीजिए, लेकिन हमें एक बोरी चाहिए। कमाल हो गया, इतने बड़े घर में हमें सिर्फ एक बोरी नहीं मिल रही। ओ साले जी, साले जी, क्या है? मेरी भी तो सुनो। अरे साले जी, साले जी, अरे क्या करते हो, छोड़ो मुझे। के लिए मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरे पीछे मत पड़ो, लड़के का साथ मत छोड़ो। अरे छोड़ो, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी बोरी, घुस जाओ उसी में। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मामा ये तो कोई यहाँ है। हाँ ले ले, चल जल्दी भाग। लगता है वो वापस नहीं आएगा। ठीक है मामा, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये ले, ये है अगरबत्ती, इसे जलाकर इसका धुआं इसके नाक में घुसाएंगे तो बेहोश हो जाएगी। इसमें कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेंगे। ए कहां जा रहा तू? इसमें 5 मिनट लगेंगे ना, मैं अंजलि से मिल के आता हूँ। ये तो हथियार लेकर आ रहा है, नींद से जाग गया तो इसे तो पता चल जाएगा। जब तक ये बेहोश होता है तब तक मैं इधर छुप जाता हूँ, छुप जाता हूँ। हेलो, चोर हमारे घर में घुस आया और चोरी करके ले जा रहे हैं। कौन सी जगह पे है? अन्नमलाई की तरफ। हेलो नाना जी, आपका बेटा और साला कुछ बोरी में बांधकर लेके जा रहे हैं। कहाँ? अन्नमलाई रूट। भांजे पुलिस। मामा भागे कहाँ से? नहीं भांजे फंस जाएंगे। अरे रे, ए, ये बोरी तुमने नीचे क्यों रखा है? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं रखी है इसे। क्यों भांजे, ये तूने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। ओह मेरे बाप की कसम, मैंने नहीं रखी। ये क्या है, इसमें खोल के देखो। आओ आओ। हाँ जी वो देख, तेरा बाप आ रहा है। अपना आदमी है, ये कब से तुम पर नजर गड़ा के रखे। चलो चल उठ जा, मैं आ गया हूँ। वो उस पर नहीं हम पर नजर गड़ा रखा था, रिश्तेदार होकर भी क्या कर रहा है। भांजे चल बोरी खोल। ओके मामा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम मर्डर में फंसोगे, और अगर बच गई तो बाहर कर देंगे। ए, हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें हत्या के इल्जाम में अंदर करूंगा। वो मर जाएंगी ये तो साबित हो गया। सर अब हम लोगों को जेल के अंदर डाल दीजिए, वहाँ तो शांति से रहेंगे। जेल की बातें मत करना, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। रानी आ गई, मैं अपने मुंह पर ताला लगा लेता हूँ। अरे अंजलि
ये सब क्या हो गया? अरे वही तो, दादी माँ का खून करने की कोशिश की है तुम लोगों। चलो आंटी। ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए मामा। अरे उसके साथ साथ एक जेंटलमैन भी आ रहा है। वकील साहब इन्हें मैटर सुनाओ। इन दोनों में से एक मुजरिम है। हाँ। सबूत मिलने के बाद साबित हो जाएगा। दावा जी अभी साबित नहीं हुआ है क्या? हाँ। मेरा वकील सब साबित कर देगा। आपको मालूम नहीं एक नंबर का बदमाश है और दूसरा इससे बड़ा बदमाश है। दो मुझे, मैं उसे क्या समझूंगा। डॉक्टर अब ये कैसी है? अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इन्हें मारने की कोशिश की गई है। इनकी हालत बहुत नाजुक है। 24 घंटे के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ, उससे पहले कुछ भी नहीं कह सकता। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर इनको होश आने दो, इनका स्टेटमेंट लेना है और उन दोनों को गिरफ्तार करना है। नहीं वे मेरे रिश्तेदार हैं, ये केस मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। सॉरी सर। ये सब क्या हो गया? वो तो अपने ही लोग थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। अंजलि वो डीएसपी हम लोगों को अंदर करने के बारे में सोच रहा है। हाँ बहन, वो तुम लोगों की तरह घटिया इंसान नहीं है। आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना। चलो ये क्या मामा, घर पूरा सजा हुआ है और दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है। मैं भी इस बात से कंफ्यूज हूँ, कहीं तुम्हारी अंजलि की शादी तो नहीं हो रही है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दामाद जी तुम्हें नहीं मालूम है क्या? यानी मालूम? कल शाम को अंजलि की डीएसपी से शादी होने वाली है। इस तरह चुप क्यों खड़े हो, खुशखबरी बताओ ना। किसी भी हालत में मैं कहती हूँ शादी होनी ही चाहिए। इसकी शादी क्या? जी हाँ, अंजलि की शादी 8 बजे होगी तो मेरी बेटी की शादी 7 बजे ही होनी चाहिए। इस मुजरिम को कौन लड़की देगा? नहीं नहीं, मेरे घर वाले की मर्जी के बिना मैं शादी नहीं करूंगा। पहले बताओ इसका बाप कौन है? ये तू क्या बोल रही है? अरे मैंने इसे पैदा किया है ना, मैं तो 7 बजे तक रेडी हो जाऊंगी। हाँ तू तो 7 बजे से रेडी है, तेरी माँ 5 बजे से रेडी है और तेरा बाप हमेशा रेडी रहता है, लेकिन मैं तो रेडी नहीं हूँ ना। अरे भांजे इसके सर पे पत्ता और कमर में हथियार है, लगता है इसका इरादा बहुत खतरनाक है। इसे बोरे में डालकर पार्सल कर देते हैं, नहीं तो हम पार्सल हो जाएंगे। पहले हम डीएसपी के घर जाकर पता करते हैं, फिर गेम बजाते हैं। तू मुझे कुत्ते की तरह क्यों बुला रहा है? मामा जिस तरह कृष्ण भगवान ने पांडवों की मदद की थी उस तरह तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तू मुझे इतने प्यार से क्यों मना रहा है? इस केले के पेड़ को शादी का मंडप बनाने के लिए घर लेकर चलूं क्या? हाँ केले का पेड़ ले जाओ, आम का पेड़ ले जाओ, कटहल का पेड़ ले जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो, समझे? चलो दामाद जी। हाँ? तुम छोड़कर चले जाओगे? तेरी लड़की तो मेरी लड़की के पेड़ को लटका के किल्ला ठोक दो, जाओ जा रे। मामा क्या है, आपने मुझे डीएसपी के घर चलने के लिए कहा था और आप यहाँ लेकर आ गए, ये आपने ठीक किया क्या? तू इस समय रिश्तेदारों के घर जाने के लायक नहीं है। दिन में देखे हुए कुएं में रात में जाकर नहीं गिरना चाहिए, इसलिए सोच समझ के काम करो, एकदम लगा सो जाओ। मुझे दिन में नहीं आएगी और मुझे रात में नींद नहीं आएगी, हम दोनों की यही तो समस्या है, क्या करें? अंजलि से शादी करने के लिए मुझे और कितनी तकलीफें उठानी पड़ेगी? हाँ भांजे, जंग के मैदान में आके फौज देखकर भागने वाले में से तू है। अंजलि से तुझे शादी करनी है या नहीं करनी ये फैसला तू ही कर, चल अब सो जा। भांजे ये क्वार्टर है क्या? अरे वो तो पिताजी पहले ही पी गए। अरे उनको क्यों दिया, मार कर फेंक देना था ना, इसी तरह देश की तरक्की करेगा क्या? अरे 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 मार डाला, अरे मेरे किसी ने होंठ काट लिए। मामा मैं था। तुमने मेरे होंठ काटे? अंजलि समझकर मैं उसे पप्पी ले रहा था, आई एम सॉरी। क्या तूने मुझे अंजलि समझकर किस किया? अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो तू तो मेरी इज्जत ही लूट लेता। किसी ने नहीं देखा मामा, किसी ने नहीं देखा ना? किसी ने नहीं देखा? मैंने देखा है। इस पागल ने देख लिया ना सब कुछ? ये तो पागल है ना मामा। ए भाई पागल, देखा सही अपने आप को पहचाना, ये सचमुच पागल है मामा। ये बात तू किसी को नहीं बताना। मैं सबको बताऊंगा, सारे गांव में पेंट से भी लिखूंगा, मैंने पेंट नहीं किया बहुत दिन से। तू पेंट कर ही नहीं सकता, तेरे दोनों हाथ काट दूंगा, तेरा मुंह इस तरह से बांधूंगा कि तू किसी को बता भी नहीं सकेगा। ऐसा किया तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। देखा पागल, आशीर्वाद दे रहा है। ए पागल, तेरे अंजलि के घर वाले सब कहाँ गए हैं? डीएसपी के लिए दावत है, वहीं पड़ोस पर गए हैं। ए सच सच बता दे, या तो पहले पेंट मार ले या पहले बता दे। वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या कहा? वही मैं कर रहा हूँ। एक बार फिर से तो कह। मैं वही कर रहा हूँ। मामा अंजलि इस वक्त घर पर ही होगी, तुम मेरी खातिर उसे यहाँ बुला के लाओ। ए अंजलि तुझसे ऑलरेडी नाराज है, मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा, पहले उसको मनाना जरूरी है। चल उतर। चल
मामा बंदूक है। ए सलामत ना मामा, तुम्हें पता है ये कौन है? ये मेरी बहन की तरह। मेरी बहन की जैसे तो क्या शादी थोड़ी करनी है। तुम यहाँ से चलो। रुक रुक चलो, देखने तो दे। इसके यहाँ होते हुए हमारा कोई काम नहीं होने वाला है। क्यों मामा, क्या सोच रहे हो तुम? अंजलि चाहिए ना तुझे? चल उधर काम कर अपना। क्यों मामा? मुझे यहाँ पे एक छोटा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। तू पहले जाना भांजे। मुझे दबे पाँव जाना होगा, कोई लड़की मेरा इंतजार कर रही है। मैं पीछे से जाकर उसे दबोच लेता हूँ। मैं तुम्हारे होठ पर एक किस करूं क्या? माथे पर किस करूं क्या? हाथ में ले लूं क्या? हाथ में भी नहीं ले सकता, हाथ का कलर ठीक नहीं है, शायद चेहरे का कलर ठीक होगा, धूप लगने से काला हो गया है क्या? यो डार्लिंग, तुमने क्या समझा मैं भाग रहा हूं? तुमने जो बुर्का पहन रखा है ना, इसलिए दौड़ते हुए किस करना ठीक है? इधर आके एक किस दे दो ना। आजा, आजा। ओहो, सेम सिचुएशन। वो जाने मन घूंघट उठा के चेहरा तो दिखा। उठा। दिखा ना। आजा, आजा। अच्छा, मेरी बाहों में अच्छा। कोयल रे, कोयल रे, मेरे पास तो आ जा रे तू। कोयल रे, कोयल रे, मेरे पास तो आ जा रे तू। मिल जा, मिल जा मुझसे रे तू। प्रिय, घूंघट उठाकर अपना चांद सा चेहरा तो दिखा दे। तू, तू, तेरी बेटी किधर है? तुमने पैसा मांगा था ना, इसलिए मैं उसकी जगह आया हूँ। अंजलि प्लीज शोर मत मचाना, अस्पताल में जो गलतफहमी हो गई थी मैं उसे दूर करने के लिए आया हूँ। मेरी गलतफहमी दूर करने आए हो? मैं जानती हूँ तुम सचमुच क्रिमिनल हो, तुमने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की और अब यहाँ पर मेरी जान लेने आए हो। अंजलि प्लीज, मैंने तुम्हारी माँ का किडनैप किया, ये बात झूठ है। पहले तुम असलियत जान लो क्या हुआ था, उसके बाद फैसला कर लेना। तुम चिल्लाओ मत बिल्कुल भी। भांजे, ये सब जानते हैं कि डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन देता है, आज हम फर्स्ट टाइम इस डॉक्टर को इंजेक्शन देंगे। अरे वो तो जानवर का इंजेक्शन है। हाँ तो डॉक्टर, अब मैं इसमें दवा भर रहा हूँ। वो पूरी तैयारी कर चुका है, उसके अंदर जाते ही तुम मर जाओगे। सच सच बताऊं सर, उस दिन उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ था, 5 मिनट के अंदर उसे होश आ गया था, वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन डीएसपी वहाँ आकर मुझसे ये कहने के लिए कहा था कि बहुत सीरियस है बताना, उसका बचना बहुत मुश्किल है, यही कहने के लिए उसने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, डीएसपी और उसकी माँ दोनों ने मिलकर ये ड्रामा किया था। उन दोनों ने मिलकर ड्रामा किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? यही सच्चाई है। अब तुम जो भी सजा दोगी वो मुझे मंजूर होगी। सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? कैडबरीज देने जा रही हूँ। एक इंडियन कैडबरी, एक रशियन कैडबरी, एक फ्रेंच कैडबरी। अभी मुझे कोई कैडबरी नहीं चाहिए। तुम्हें कैडबरीज नहीं चाहिए? कैडबरी तो चाहिए, लेकिन ऊपर से कोई देख रहा है। ऊपर? ऊपर तो कोई नहीं है। ऊपर भगवान थे। अब 2 कैडबरी से काम नहीं चलेगा। 30-40 दे दो एक साथ। अरे रे रे, मिस क्यों कर रहा है? Yeah.
चलूं? बाय। छह, मेरी बुआ की शादी मेरे मामा के साथ नहीं करके इसके मामा के साथ कर रहे हैं। उस लड़की को तूने प्यार किया, गले लगाया, किस भी किया तूने, ये सब में वो भूल गया जो मुख्य बात तुझे करनी थी। उसकी शादी किसी और से हो गई तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। मामा, अंजलि को सचमुच मुझसे प्यार है तो मुझे फोन जरूर करेगी, कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। तुम एंगेजमेंट में नहीं जाना चाहती हो क्या? मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना है क्या? मुझे भी नहीं जाना है। हाय। हाय। बिल्कुल ड्रेस चेंज करने के समय आए हो? जरा मुझे भी। अब बैठो वहाँ। आइए आइए। भाई साहब, हमारी माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई क्या? कोयल रे, कोयल रे, मेरे पास। ये काला कपड़ा लड़के के लिए क्या? बाहर फेंको इसे। आओ बैठो बैठो बैठो। इस भाई साहब को ये लड़की बहुत भाग गई है, इसलिए मंगनी तय हो गई है। आज तेरी भी मंगनी कर दूं क्या? इसको यहाँ से भागो इधर से। मामा, हाँ? लड़की का मेकअप और ड्रेस सब मेरी पसंद की है, कैसे बन के आ रही है देखना। हाँ? बिल्कुल सही तैयारी किया है। कैसी तैयारी? अरे खाने की। वहां तक मैं पहुंच गया हूं। पहुंच गया क्या? हाँ, उसको बांध कर ले जाएंगे। बांध कर ले जाएंगे। भाई साहब, लड़की तैयार हो गई है, मंगनी के लिए तैयार हो क्या? ये क्या तू मेरे पीछे भिखारी की तरह पड़ा है? मंगनी करना है क्या? मंगनी करना है क्या? अरे मंगनी क्या थाली में रखा हुआ है? चल जा उधर जाकर बैठ। मैं खा जाऊं, मैं खा जाऊं। चल जाकर बैठ। मामा, वो देखो किधर टकला सो रहा है। अबे अंधे, तू इधर सो रहा है? आज ही तू मर के रहेगा, मेरे हाथों से नहीं बचेगा तू। ये ले। अरे वाह, क्या दिख रही है, लगता है मैं उसे देखता ही रहूं। अरे कपड़ा थोड़ा और ऊपर होता तो कितना अच्छा होता रे। अरे अरे, हम लोग तीन लोग हैं, हमको भी तो। मुझे कॉफी चाहिए। हाँ। ए, 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 हाँ। भी दे। ये दूसरों के लिए नहीं है, फिर भी ले ला दो। तू भी पी ले ना। अरे ए, तुम लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? उधर कॉफी है, जाकर ले लो ना। तुम लोग जाओ। ए मुंह बंद रख, इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? चल जा, पुलिस को फोन कर। मैं उठ के चला जाता हूँ। ये लो भाई साहब को कॉफी, तुम ही दो। अरे ये क्या किया, जीजा के ऊपर कॉफी गिरा दिया तूने। भाई साहब, आपके कपड़े के ऊपर कॉफी गिर गया है, इसी तरह बैठे रहेंगे तो चींटियां दौड़ने लगेंगी। चलो धोकर आते हैं। चलो 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 धोकर आते हैं। एक मिनट। क्यों, क्या हुआ? उसके कपड़े बदलवा दो। अच्छा ठीक है, वैसे ही करता हूँ। तुम्हारी हाइट क्या है और अंजलि की हाइट क्या है? तुम्हारा वजन कितना है, अंजलि का वजन कितना है? ये गलत कॉम्बिनेशन है। मामा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज टोटली रॉन्ग, अनबिलीवेबल। क्यों मामा, तुम इंग्लिश की टांग क्यों तोड़ रहे हो? अरे मैं इंग्लिश की टांग कहाँ तोड़ रहा हूँ, मैं तो इसकी औकात दिखाने के लिए इस पर रौब झाड़ रहा हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, अंजलि तुम्हारे साथ रहेगी तो 5 फुट दूरी तुमसे रहेगी, हमेशा दूर रहेगी तुमसे। ये तुम कॉम्बिनेशन बता रहे हो या कुछ और? नहीं, ये कॉम्बिनेशन तुम्हारे लायक है, इसके लिए ये दूरियां हैं। बिल्कुल सही। सुनो, हेलो, उसे कौन सी भाषा आती है? मुझे हिंदी आती है, बोलो। अमिताभ बच्चन को जानते हो? जानता हूँ। जया भादुड़ी को जानते हो? जानता हूँ। दोनों की शादी हुई है, दोनों के दो बच्चे। दो बच्चे? हाँ, दो बच्चे हैं, मालूम है, मालूम है। उसी तरह ये भी है। पांजे, इसकी बात तो सही है, पकड़ के काट दे क्या इसका? उसकी लंबाई के मुताबिक तुम नहीं हो। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मामा, उसको नहीं, पैरों को। भांजे, देखो लड़की, ये लीजिए। थैंक यू। तो डबल चार। चल अंजलि, मेरा टावल अभी देती हूँ। वाओ वाओ, मेरा टॉवेल। मामा, मुझे टॉवेल नहीं चाहिए, तू ही रख ले। ए सुनो भाई, तुमने क्या कहा था? अमिताभ बच्चन और जय भादुड़ी जैसा, और यहाँ पर देखो करीना कपूर और शाहिद कपूर जैसा। अंजलि, क्या है? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने आपको साफ साफ कह दिया था कि मैं विजय से प्यार करती हूँ, विजय से ही शादी करूंगी। ये जानने के बाद भी आप मुझसे मंगनी करने चले आए, अब टेंशन तो होगा ना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? Thank you.
ए, तुम जाग रही हो क्या? कब से? तुम बेडशीट ठीक कर रहे थे तब से जाग रही हूँ। तब तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम क्या करोगे ये देखना था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे। फूलों से कोमल ये बदन, अंग अंग संगे मरमर, फूलों सी ये ताजगी, मन मेरा खिल गया है तेरी बाहों में आकर। ता तकिट तिन तकिट तक तिन, दिन ताना दिन ताना दिन दिन। ता तकिट तिन तकिट तक तिन, दिन ताना दिन ताना दिन दिन। तकिट तिन तकिट तक तिन, दिन ताना दिन ताना दिन दिन दिन। दिल में आग लगा दी, बेताबियां बढ़ा दी, अरमा जगा के बेचैनियां बढ़ा दी, मेरा चैन चुराया, मेरी नींद चुराई। ये शोला कैसा भड़का, तेरी परछाई हूँ मेरे बन के रे, मैं तो घुंघरू बंध जाऊं तेरे पैरों से। तकिट तिन तकिट तक तिन, दिन ताना दिन ताना दिन दिन दिन। जब जब दूरे अच्छा लगे वो पल रे, मैं भी तो हो जाती हूँ छू के तुझे पागल रे। धुल जाने दे आज मनो को आज, खुल जाने दे जाने मन तू आज दिलों के राज। तेरे तन के इस अचल पर सो जाओ मेरे दिल पर। तकिट तिन तकिट तक तिन, दिन ताना दिन ताना दिन दिन दिन। अंबर से रे पूछेंगे सूरज से हम, रोने न दूंगा तुझे पीलूंगा तेरे आंसू, राहों में तेरी मैं फूल बिछा दूंगा रे जानू। जब तू उठेगा सूखे तकिट तिन तकिट तक तिन, दिन ताना दिन ताना दिन दिन दिन। दिल में आग लगा दी, बेताबियां बढ़ा दी, अरमा जगा के बेचैनियां बढ़ा दी, मेरा चैन चुराया, मेरी नींद चुराई।
उस आसमां पे देखो, मैं तेरा नाम लिख दूं, मरने के बाद भी मैं बस तेरा चेहरा देखूं। हेलो, डीएसपी जीवा है क्या? वो एक केस के सिलसिले में बाहर गए हैं। शादी के कार्ड पूरे गांव में बढ़ चुके हैं, अब क्या करेंगे? चल पार्टी अटेंड करके खीर खा के चल निकलते हैं। मामा ये ठीक नहीं है। अरे जा उसे भूल जा। नहीं मैं उसे नहीं भूल सकता। नहीं नहीं हटाओ इसे, घबराहट के मारे में मर जाऊंगा। नहीं मामा, डीएसपी एक केस के सिलसिले में गाँव से बाहर गया हुआ है। वो जैसे ही आता है उसको डाल देते हैं। तुम मुझे जेल में भेजना चाहते हो? क्या है मामा, उसे मार के तुम मेरे लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? नहीं मैं खून के केस में अंदर हो जाऊंगा। मामा ये डीएसपी का रिवॉल्वर है। हाँ। उसे मारने के बाद उसकी पॉकेट में डाल देना, किसी को भी पता नहीं चलेगा, केस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भांजे जिस दिन से तूने प्यार किया है तेरा क्रिमिनल माइंड थोड़ा भी डेवलप नहीं किया है। नहीं मामा, मैं तुम्हारे साथ रह के ना बस इतना ही क्रिमिनल बन पाया हूं। मेरे साथ रहने से पहले तू यीशु का शिष्य था। ला इधर, ला रे किधर है, ला उसमें डाल दूं। मामा निशाना तुम्हारी तरफ है, इसे सीधा पकड़ो। मामा वो उस तरफ पे है। किधर है, किधर है? अरे मामा, भांजे मैंने किस पे डाल दिया रे? अब क्या करेंगे? भागो नहीं तो फंस जाएंगे। चलो। शादी का कार्ड छपने से पहले लड़की को तो कम से कम दिखाना चाहिए था ना? यहाँ पर सबको बांटने के बाद मुझे दिखाया जा रहा है। एनीवे थैंक्स अ लॉट। शादी से पहले मुझसे ये किसी ने नहीं पूछा कि जीवा से शादी करना चाहती हो या विजय से शादी करना चाहती हो। खुद ही फैसला कर लिया। शादी का दिन तुमने आगे क्यों बढ़ा दिया? मेरी बात सुनो, बेकार की बात करने की बजाय हम काम की बात करते हैं। तुम्हारी लड़की की शादी विजय के साथ करा के पैसे वाला घर तुम्हें मिल जाए, यही चाहते हो ना? अगर लक्ष्मी घर में आ जाती है तो मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं जो कहती हूँ वो करो। हाँ। आज शाम को जीवा के साथ मेरी लड़की की मंगनी है, इसलिए सारे परिवार के लोग वहाँ आएंगे। हाँ। उस समय तुम अपनी लड़की को इस ब्लू कलर के दीवार के पीछे वाले बाथरूम में छिपा देना। हाँ। और सतीश तुम विजय मामा को फोन करके कहना ब्लू कलर दीवार के पीछे वाली बाथरूम में अंजलि तुम्हारा इंतजार कर रही है और उसने तुम्हें जल्दी बुलाया है। उसने क्यों पूछा? तो कह देना कि सारे परिवार वाले घर पे है, इसलिए चुपके से बाथरूम में मिलने के लिए कहा है। बाथरूम में अकेले देखकर शादी के लिए सब मान जाएंगे, ये आइडिया मैंने दिया, ऐसा कहना। आ, समझ गया समझ गया। ब्लू कलर के बाथरूम में मेरी लड़की ब्लू ड्रेस में बाथरूम में रहेगी तो मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अगर पहले आ जाता तो विजय के साथ मेरी लड़की की शादी हो जाती। देखो मेरी दिली ख्वाहिश है कि जीवा के साथ मेरी लड़की की शादी हो। ए, मुझे यकीन है तुम लोग सच सच बताओगे। नहीं बुआ, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, उधर पार्टी चल रही है, दादी माँ अपना ही करेंगी। नहीं, वहाँ जब मामा रहेंगे तो पिताजी नहीं रहना चाहिए, अगर ये नहीं रहेगी तो मामा खुश नहीं रहेंगे, मुझे मालूम है। उधर क्या हो रहा है तुझे पता है क्या? पार्टी में अगर वहाँ जीवा मामा रहेंगे तो वही मंगनी हो जाएगी। उसके लिए मंगनी तुड़वाने के लिए मेरे पास मास्टर प्लान है। अब मेरी बात सुनो, तुम ब्लू कलर के बाथरूम में जरूर जाओगी। कल तुम ब्लू रूम पर आ गए तो तुम्हारी और बुआ की शादी पक्की। ए फोन इधर दे। ए जादूगर तूने कौन सा नंबर लगाया है? तो बुआ से बात करो। लो तुम्हारा फोन है। हेलो। ज्यादा देर मत लगा, जल्दी बात कर। अरे ये क्या चुमा क्यों दे रहा है, बात तो करना। हेलो। इसने जो कहा सही है विजय, तुम कैसे भी वहाँ पर आ जाओ, ब्लू कलर का बाथरूम भूल मत जाना। अंकल मैं रॉकी बोल रहा हूँ। हाय, बोलो बेटा क्या है? तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए प्लान बनाया है। ये क्या बोल रहे हो? तुम कैसे भी करके उस रूम में पहुंच जाना, तुम्हें उससे शादी करनी है। भांजे गाड़ी रोको। ए, अरे कल तो तुझे मारा था ना, तू ठीक है? चल भांजे चल। ए, चलो इसीलिए तो मुझे कल गोली मारा था। चलो चलो गाड़ी में बैठो, साथ में चलना है, चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी। मामा तुमने क्यों पंगा लिया उनसे, वो पीछे आ रहे हैं। मामा
रास्ता बंद है। रास्ता बंद है, पता नहीं किस लिए बंद किया है। अरे तो गाड़ी पीछे लेना। ओ अरे भांजे, तू रिवर्स में गाड़ी क्यों चला रहा है? तुम देखते रहो मामा। अरे बाप रे। अरे भांजे, रिवर्स में गाड़ी चला रहा है तो स्लो चलाना। तुम देखो तो मामा। तू ऐसे कहाँ जा रहा है? अरे रुको तो। अरे 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 भांजे भांजे, किधर गया तू? मामा अब तो गाड़ी सीधी जा रही है ना। मेरे सर के पीछे आंख नहीं है। ए, चलो चलो। रास्ता समझ में नहीं आ रहा है? मामा फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। रुक, मुझे भी तो देखने थे। लेफ्ट ले, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अब लेफ्ट, अब राइट, अब लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, अब पकड़ो उसको। पांजे, पीछे सब कुछ काला दिखाई दे रहा है। घर तक हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं? ये बिल्ला तो हम लोगों की हड्डी तक चबाकर खा जाएगा। एक आइडिया है। क्या? हम लोग दोनों अलग अलग जगह पे भागते हैं। ये कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके पीछे भागू। ऐसा है क्या? तो फिर भागते हैं। मैं 1 2 3 बोलता हूँ। 1 2 रुक जा। कहीं ये इंग्लिश समझता होगा तो पंजाबी में बोलता हूँ। बोल। 1 2 अरे रुक जा, मुझे पंजाबी नहीं आते, हिंदी में बोल। ओके 1 2 ए रुक। अरे उसे देख ऐसा लगता है कि वो हिंदी भी समझ रहा है, तू इशारे में बोल। भागो। ए तू क्यों नहीं भागा? नहीं मामा, तुम अगर इस साइड से भागते हो तुम्हारे पीछे भागता, मैं इधर से आराम से निकल जाता। मैं उस तरफ नहीं भागूंगा। तू क्या चाहता है कि वो मेरी तरफ आया मुझे पकड़ कर खा जाए? ऐसा नहीं होगा, हम दोनों भागेंगे तो एक साथ भागेंगे। रेडी? 1 2 गाड़ी मैंने रोक दिया मामा, अपनी गाड़ी इधर है मामा। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, बहुत देर हो गई। चलो तुम अंदर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ वो दे दो। ब्लू कलर बाथरूम। हाँ तुम यहाँ छुप जाओ। हाँ दो। अरे रुको रुको, ये तुम्हारे कपड़े में मैच कर रहा है, इसे पहनो। अरे अरे जल्दी इधर आओ। रुको ना, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं अपने बेटी को शादी का ड्रेस पहना रही हूँ, थोड़ा लेट चलेगा। ये लो तुम्हारा 1000 रुपया। तुम्हारा कितना हुआ? 2000। मैं ढूंढ रहा हूँ किधर पेंट करना है। ए, तुम जाओ यहाँ से। मैं बाहर क्यों जाऊँ? कौन है ये? मुझे पेंट करना है। ये कंपनी में काम करता था, एक हादसे के बाद पागल हो गया बेचारा। तुम जाते हो कि नहीं? आप बैठिए, मैं देखता हूँ। तुम आओ मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। चलो चलो चलो, ये कितनी अच्छी जगह है। बुलुकरा देखते ही घुस जाना, याद रखना। रुक पीछे आ रहा है। ये चुप कर, आवाज मत कर नहीं तो सुन लेगा। ठीक से चढ़ जा। अरे भांजे, तेरा वजन इतना जल्दी कैसे बढ़ गया? पापा, अब DSP भी आ रहा है। वो आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, वो भी धनी है, लिपट कर जोर जोर चिल्लाना। ओके पापा। ए चढ़ गया क्या रे? नहीं थोड़ा और उठाओ। ए DSP तू धोखेबाज।
ए भांजे, ए भांजे, उठना, जल्दी उठ यार, ए उठना, ए उठ इधर आ, चल चल इधर, उठ, आ इधर आ भांजे, इधर, आ ब्लू कलर के पास, आ, ए भांजे समझ के, हाँ ऐसे रह, ऐसे, आ सीधा, ठीक है, अरे भांजे, ए भांजे, ए हाथ, पैर ठीक से रख, ठीक से सीधा, सीधा खड़ा रह पापा, डीएसपी साहब यहाँ पर गिरकर बेहोश हो गए हैं। ठीक है, तू उसको अपनी गोद में ले, जोर जोर से चिल्ला और किस कर। ओके पापा। कर रही है क्या? हाँ पापा। हाँ। अरे रे इधर आओ, देखो क्या हो रहा है। अरे रे यहाँ आ जाओ सब लोग, देखो क्या हो रहा है, क्या हो गया, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो अपने भरोसे को, क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हरकत हो रही है, देखो। अरे ए जीवा, तुम कौन हो? कल तुम्हारी शादी होने वाली है और आज तुम दूसरी लड़की के साथ ऐश कर रहे हो। सर, ये सब कैसे हो गया मुझे पता नहीं। तुम चुप करो, तुम एक पुलिस वाले हो, ये लड़की तुम्हारे इसके साथ कब से चक्कर चल रहा है? पिछले 3 महीने से हम दोनों का चक्कर चल रहा है। चुप रहो, झूठ मत बोलो। ये मेरी लड़की 2 महीने की गर्भवती है, तुम इसके साथ शादी कर लोगे तो इसकी इज्जत बच जाएगी। झूठ बोला तो जेल में बंद कर दो। तुम ज्यादा झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा। एसपी साहब, अब आप ही कुछ रास्ता निकाले। इज्जत के साथ इस लड़की से शादी कर लो। ए, जाकर मंगलसूत्र लेके आओ। सर, मुझे एक पैसे वाला दामाद चाहिए था और वो मिल गया। ये लीजिए सर, ये मंगलसूत्र, इसको बांधो, बांधो इसे। ए विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ, अंजलि उस रूम में है, चलो। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पीठ के ऊपर पैर रखो, रखो। नहीं जीजा जी, मैं आपके ऊपर पैर रख के कैसे चढ़ सकता? देखो ये मेरी जिंदगी है, वो तुम्हारी दी हुई है, कुछ गलत नहीं है, तुम पैर रख के चढ़ जाओ, चलो रखो। हाय अंजलि, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कूद जाओ ना। आंटी, अंजलि कहाँ है? हा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 ह